अच्छा जी, को स्लाइड नजर आ रही है आपको? स्लाइड नजर आ रही है आपको? देखिए, ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू। यहाँ से हमने स्टार्ट करने। अच्छा, और अगर मैंने आपको अपना ट्विटर दिया था, माई ट्विटर इज, अगर मैं भूल गया था तो माई ट्विटर हैंडल इज एट अली बाबा खेल, दिस इज माई ट्विटर। ये मेरा ट्विटर है। अच्छा ठीक है, दिया था आपको, दिस इज माई ट्विटर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वापस अपने डिस्कशन के ऊपर, को भी इंट्रोड्यूस किया और पेस को एक नॉर्मल रखा ताकि जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम यूज टू हो जाए, एक दूसरे को पहचान लें। ठीक हो गया, तो आज हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी अगर फिर भी आपको समझना है किस सवालात के जवाब दे देंगे। अच्छा जी, अयूब खान साहब। अच्छा जी, अयूब खान साहब जो थे वो ही वॉज आर फर्स्ट मिलिट्री रूरल जो हु वॉज हैविंग फ्रॉम मिलिट्रीज बैकग्राउंड, मिलिट्री की बैकग्राउंड से थे। ठीक हो गया, तो उनका जो है एक हम तफसील से बात करेंगे कि हाउ ही परफॉर्म्ड एज फर्स्ट मिलिट्री मैन इन पावर कॉरिडोर्स, कि उन्होंने कैसे जो है वो परफॉर्म किया। ही वॉज द फर्स्ट मिलिट्री रूरल और फर्स्ट नेटिव कमांडर ऑफ आर्मी और सेकंड प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। पहले जो थे वो सिकंदर मिर्जा थे और ये सेकंड थे, और ही सुपरसीडेड टू जनरल्स, और उनकी सुपरसेशन में जो है ये जो दो जर्नैलों को सुपरसीड करना मीन के उनको इग्नोर कर दिया प्रोमोशन के लिए। अदरवाइज अयूब खान ना जर्नैल बनते, ना वो फील्ड मार्शल बनते, ना वो पाकिस्तान के हुक्मरान बनते, फिर शायद पाकिस्तान की तारीख जो है वो कुछ और होती। ठीक हो गया, सो इनकी यहाँ तक मामले को लाने में जो है हम ये कह सकते हैं कि स्कंदर मिर्जा जो थे ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन अयूब्स प्रोमोशन। तो लेकिन आपने पिछली जब हमने नशिस्त पे इख्तिताम किया था अपनी डिस्कशन का, तो हमने ये बात की थी कि जो आपका है ये जो इस्कंदर मिर्जा जो थे उनको सिर्फ 3 वीक्स तक जो है वो टॉलरेट किया अयूब खान साहब ने, और हालांकि उनकी प्रमोशन में इस्कंदर मिर्जा का अगर रोल ना होता तो मैंने कहा कि अयूब खान को शायद इतना जो पॉपुलैरिटी, क्लाइमेक्स, पावर वो मिली वो शायद नसीब ना होती। लेकिन ये पाकिस्तान का एक तारीख है कि यहाँ असल में जो है वो पावर मैटर करती है, इंटरेस्ट मैटर करता है पावर कॉरिडोर्स में। तो यंगेस्ट फुल जनरल थे,
Because why he was youngest? Because that time there was वैक्यूम वॉज अवेलेबल, और एक तो वैक्यूम अवेलेबल था और दूसरा अपॉर्चुनिटीज जो थी वो भी अवेलेबल थी. वैक्यूम भी अवेलेबल था और अपॉर्चुनिटीज जो थी वो भी अवेलेबल थी. ठीक हो गया. वैक्यूम वॉज ऑल्सो अवेलेबल, अपॉर्चुनिटीज वर ऑल्सो अवेलेबल. ठीक हो गया. वैक्यूम ये था कि दी ब्रिटिश सीनियर जनरल्स और सीनियर ऑफिसर्स दे वर आइदर रिटायरिंग और दे वर गोइंग बैक टू देयर होमलैंड, क्योंकि अब एक आजाद मुल्क था तो यहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रोल बैक कर रहे थे. सो इंडिजीनियस लोग जो थे वो सीनियर पोजिशंस पे बहुत कम थे, दे वर वेरी वेरी फ्यू, वेरी रेयर. सो याह्या खान, अयूब खान एंड सो मैनी अदर ऑफिसर्स, दे वर सो लकी दैट दे फाउंड दिस अपॉर्चुनिटी. उनको जो है ये मौका जो है ये मिला कि वो रूल करें, और रूल भी किया इन दोनों ने और मिलिट्री को कमांड भी किया. तो यंगेस्ट फुल जनरल एंड इन्होंने अपने आप को खुद ही फील्ड मार्शल भी जो है वो कहलवा दिया कि मैं फील्ड मार्शल हूँ. ठीक हो गया. कि आई एम दी फील्ड मार्शल. फील्ड मार्शल वो होता है कि यानी जर्नैलों का जर्नैल, के कहीं मल्टीपल वॉर फ्रंट पे काम जब आर्मीज करती हैं अलाइंसेस, तो उनमें से एक फिर सीनियर जनरल को जो है वो उसको ये एजाज दिया जाता है. लेकिन यहाँ पे तो कोई जंग नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को जो है वो फील्ड मार्शल जो है वो. ठीक हो गया जी. बिल्कुल. नेटिव लीडर्स वर नीडेड एंड दैट वाज वक्त था ना, एक अपॉर्चुनिटी थी उस वक्त. और रेफरेंडम करवाया इन्होंने. अब क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई रेफरेंडम, क्यों रेफरेंडम क्यों? ठीक हो गया. क्यों रेफरेंडम? रेफरेंडम इसलिए कि रेफरेंडम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि इफ देयर इज एनी क्वेश्चन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके कार दिया होता है कि आप रेफरेंडम करवा सकते हैं उसके लिए. लेकिन ये रेफरेंडम जो है सच काइंड ऑफ जो रेफरेंडम्स होते हैं वो किस लिए करवाए जाते हैं कि एक तो आपकी पॉपुलैरिटी जो है उसको असेस किया जाए. वन पॉपुलैरिटी इज टू बी असेस्ड, के अपनी पॉपुलैरिटी को साबित करने के लिए कि मैं कितना मकबूल हूँ, क्योंकि ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो होती नहीं है. जिस तरह एक सियासतदान की अपना एक हलका होता है जहाँ से वो ताकत डिराइव करता है, जहाँ से वो वोट डिराइव करता है, और वो फिर उसके साथ लिंक्ड होते हैं. इनका तो वो नहीं होता. ठीक हो गया. सो रेफरेंडम टू प्रूव देयर पॉपुलैरिटी, वन. नंबर टू जो है उसमें क्या है कि नंबर टू में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी दैट इज जितने भी आपके मिलिट्री के प्रेसिडेंट्स रहे हैं उन्होंने रेफरेंडम पे बहुत रिलायंस की. व्हाई दिस रिलायंस? बिकॉज दे वांटेड टू प्रेजेंट रेफरेंडम एज एन अल्टरनेट ऑफ इलेक्शंस, एज एन अल्टरनेट ऑफ इलेक्शंस, यानी इलेक्शंस के अल्टरनेट के तौर पे जो है उन्होंने रेफरेंडम को लिया. के आम आदमी की तो कैपेसिटी नहीं है कि वो रेफरेंडम, क्योंकि रेफरेंडम में भी बक्से में एक कागज डाला जाता है और इलेक्शन में भी एक बक्से में कागज डाला जाता है, मोहर लगाई जाती है. जो बक्से में कागज डाला जाता है रेफरेंडम में, उसमें एक सवाल होता है जिसके आगे आपने एक टिक मार्क करना है या एक मोहर लगानी है. और इलेक्शंस में जो है वो आपने अपने पसंद की पार्टी के निशान के आगे जो है मोहर लगानी है. ठीक हो गया. सो एक आम आदमी में उस वक्त भी और आज भी ये डिस्टिंक्शन करने की सलाहियत नहीं है, एक आम आदमी देहात से जो है, कि रेफरेंडम और इलेक्शंस में आईनी क्या फर्क होता है और इसके क्या फायदे और नुकसान होते हैं. तो ये उन्होंने एक जो है ये काम किया अपने हक में, कि अपने आप को एक एक तो इलेक्शन के मुतबादिल के तौर पे उन्होंने इसको प्रेजेंट किया कि ये एक इट्स लाइक अल्टरनेट ऑफ इलेक्शंस.
और दूसरा ये है कि ये एक अपनी पॉपुलैरिटी को एक मेजर करने के लिए एक लोगों तक, तो इसको इकने ने एक सियासी रंग जो है वो देने की जो है वो कोशिश की गई। देन इस एरा में एक और जो इवेंट हुआ दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन, और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था 62 का दैट वाज ओवर सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और पाकिस्तान, मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, कहता रहूंगा कि पाकिस्तान इज अ कंट्री के जो ओवर सेंट्रलाइजेशन की जो है वो मुतहमल नहीं हो सकती। ओवर सेंट्रलाइजेशन की जो है वो मुतहमल जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है, ओवर सेंट्रलाइजेशन की। बिकॉज ओवर सेंट्रलाइजेशन की इसलिए मुतहमल नहीं हो सकती कि आपने यहाँ पर सारी जो पावर्स हैं वो कॉन्सेंट्रेट कर दी इन दी हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ही खत्म कर दिया। यू जस्ट ब्रॉट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और दिस 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, दिस रिफ्लेक्टेड द ओपिनियन ऑफ ऑफ जनरल अयूब खान। सो जनरल अयूब खान वाज नाइदर पॉलिटिकल साइंटिस्ट नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। वो तो एक मिलिट्री जनरल थे, बिल्कुल वॉरफेयर समझते होंगे, मिलिट्री को समझते होंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को तो नहीं समझते थे। लेकिन चूंकि उनका जोर था और उनके पास ताकत थी, तो जिनको उन्होंने हवाले किया काम, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को उसी तरह बनाया जिस तरह जो है वो लोग जो है चाहते थे कि किस तरीके से जो है उसको बनाना चाहिए। तो ये एक पाकिस्तान के लिए जो है वो मजीद जो है वो मसाइल लेकर आया फ्यूचर में। और उसका आखिरी अंजाम फिर आपने देख लिया, वो बांग्लादेश की सूरत में आपने देखा 1971 में। अयूब खान वाज अ मैन हु लाइक वाज वेरी लाइक एंथुजियास्टिक अबाउट द सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन, सोशल डेवलपमेंट, इसके हवाले से, समाजी जो तरक्की है उसके हवाले से उनका जो एक था, एक एस्पेक्ट वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो अयूब खान ने इंट्रोड्यूस किए, अयूब खान का ये ख्याल था कि औरत की एम्पावरमेंट के बगैर जो है वो पायदार तरक्की जो है सोसाइटी में, सोशल डेवलपमेंट जो है वो तब तक नहीं हो सकती। तो अयूब खान इंट्रोड्यूस्ड द मुस्लिम फैमिली लॉज थ्रू एन ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस के जरिए मार्च 1962 में, और उसके तहत जो है वो अनमिटिगेटेड पोलीगैमी जो थी, यानी जो बगैर एक पहली जो बीवी है उसकी रजा के बगैर जो है वो दूसरी शादी जो है वो नहीं की जा सकती थी, ठीक हो गया। और कंसेंट ऑफ द करंट वाइफ जो है वो उन्होंने मैंडेटरी कर दी सेकंड मैरिज के लिए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? एक तो औरत को एक इज्जत की निगाह से देखना, ना कि उसको जो है वो एक सिंबॉलिक वैल्यू की नजर से देखना, क्योंकि उनका ये ख्याल था और ये ख्याल बिल्कुल ठीक है कि जब तक आप औरत को इतना उसको कमजोर कर देंगे कि उसकी कोई हैसियत ही ना रहे। और आज भी औरत जो है वो रूरल एरियाज में और सेमी ट्राइबल सोसाइटीज में और इवन अर्बन एरियाज में, और जहाँ खास तौर पे जहाँ लिटरेसी नहीं है, जहाँ जहालत ज्यादा है, वहाँ पे औरत इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, सोशली बहुत डिपेंडेंट है मर्द के ऊपर। तो ये तो 1961 की बात, आज से 60 साल, 40 साल, 60 साल पहले की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जो आर्बिट्रेशन का, के औरत की जो एम्पावरमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज भी मर्द शायद नहीं पूछता होगा दूसरी शादी के लिए, लेकिन ये एक उसका ये कदम जो है ये एक इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि ही वॉज वेरी पोजेसिव अबाउट द एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन और सोशल चेंज के लिए एक जरूरी एलिमेंट। फिर इनका जो आर्बिट्रेशन काउंसिल्स थी, आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो उन्होंने इस्टेब्लिश की
आर्बिट्रेशन काउंसिल यानी जो आपकी आर्बिट्रेशन काउंसिल मीन के जो आर्बिट्रेशन काउंसिल मीन्स सालिसी काउंसिल्स के जो सुलह सफाई करवाए दो फरीकैन के दरम्यान में। तो ये जो फैमिली खास तौर पे डिस्प्यूट्स थे, तो उन्होंने कहा कि खास तौर पे जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं मियाँ बीवी के दरमियान या खानदानों के दरमियान, तो वो वहाँ पे गली मोहल्लों में जाके तो उसको जो है वो रिजॉल्व किया जाए लोकल जो रिवाज के मुताबिक, ताकि फैमिली जो है वो एज एन इंस्टीट्यूशन जो है वो स्ट्रेंथन रहे और इंटैक्ट रहे। देन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए और जनरल आजम ने तो ड्रॉप कर दिया जो उनके खिलाफ कैंडिडेट थे, और फातिमा जिना ने कॉन्टेस्ट किया कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज के कैंडिडेट के तौर पे, और डिस्पाइट द फैक्ट दैट रिलीजियस पार्टीज वुमेन की कैंडिडेचर को जो है वो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फातिमा जिना की जो कैंडिडेचर थी वो इवन जमात इस्लामी ने भी जो है वो उसको सपोर्ट किया। लेकिन अयूब खान वॉज सो पावरफुल, पार के अतबार से, पॉपुलैरिटी की बात नहीं हो रही, पार की बात हो रही है। तो उन्होंने जब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उन्होंने डिक्लेयर ये किया कि उसने 64% वोट जो है वो ले लिए, 64% वोट लेकर वो कामयाब हो गए, ठीक हो गया। सो इट दो फातिमा जिना हैड मोर पॉपुलैरिटी, लेकिन इससे जो है अयूब खान की जो पॉपुलैरिटी थी वो फर्दर जो स्टैंडिंग थी वो एरोड हुई इन द आईज ऑफ द पब्लिक, और ग्रेजुअली जो है वो अयूब खान जो है वो ही मेट परमानेंट डिक्लाइन इन द पावर कॉरिडोर्स। देन अयूब खान का सिस्टम जो था दैट वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक गवर्नेंस या बेसिक डेमोक्रेसी। बेसिक डेमोक्रेसी जो है वो एक बेसिक डेमोक्रेसी जो है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के तौर पे काम करती थी, जो इनडायरेक्टली जो है वो सदर के इंतखाब में जो है वो मुआविन होती थी, और शुरू में 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स थे जो काउंसलर्स थे, ठीक हो गया, 80,000 काउंसलर्स थे, ठीक हो गया, 80,000, 40,000 एक थे और 40,000 दूसरे थे, और बाद में जो है उनकी तादाद में जो है वो इजाफा हो गया, और उनको उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए 60,000 ईस्ट पाकिस्तान में और 60,000 जो है वेस्ट पाकिस्तान में ये काउंसलर्स जो थे ये असल में उसकी पार्टी थी, ठीक हो गया। और ऑल मिलिट्री प्रेसिडेंट्स जो है दे टुक रिफ्यूज अंडर दी, जी बिल्कुल, लाइक जिस तरह आप किसी हद तक फैमिली कोर्ट वाला रोल भी इसमें शामिल था। नहीं, ही सपोर्टेड हिज ओन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी हाशिम, वो बेसिक डेमोक्रेसी के बुनियादी जमहूरियत हैं, उनका अपना ख्याल था ना, जिस तरह जनरल जियाउल का ख्याल था कि इस्लामिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कंट्रोल डेमोक्रेसी जिनको उनको कहा, कंट्रोल डेमोक्रेसी या वो कंट्रोल डेमोक्रेसी या ठीक हो गया, और इस्लामिक डेमोक्रेसी का मॉडल। और मुशरफ साहब फिर आए तो उन्होंने एनलाइटेंड डेमोक्रेसी का एक कॉन्सेप्ट दिया, रोशन ख्याल, ठीक हो गया। तो ये अपना अपना एक वर्शन लेकर आते हैं, इनका अपना एक मॉडल होता है, ठीक हो गया। तो ये जो लेकर आए थे ये बेसिक डेमोक्रेसी के, उनका ये ख्याल था कि भाई जब तक ग्राउंड पे डेमोक्रेसी नहीं होगी तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कैसे वो फ्लरिश हो सकती है। तो बात तो उनकी 100% ठीक है, लेकिन उनकी ये बात में चूंकि उनका अपना मफाद वाबस्ता था, उनका अपनी इकतदार को तूल देना था, तो इसलिए जो है वो उसमें जहाँ पे खुदगर्जी आ जाए तो वो तो फिर जो है खुदगर्जी जहाँ पे आएगी तो वो फिर वो चीज़ जो है उसमें बरकत तो नहीं होगी ना, ठीक हो। कि बात तो उनकी बिल्कुल ठीक थी कि बेसिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो आपने आर्टिकल 140A में डाला, 140A आपने 18वीं तरमीम में लेकर आए, 140A, ठीक हो गया, 140A, तो 140A जो है वो थर्ड ईयर ऑफ गवर्नेंस है, ठीक हो गया, वो आपने डाला बहुत
बाद में, ठीक हो गया, दैट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 18th अमेंडमेंट, ये इस तरह हुआ ना। तो जब खुदवर्जी होगी तो फिर उसमें तो ये प्रॉब्लम्स तो हैं, वो आएंगे फिर, ठीक हो गया। तो उनका अपना एक वो था, ही हैड हिज ओन वर्शन ऑफ 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 डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल कॉलेज मीन के ये जो जो लोग जिस तरह सेनेट के इंतखाबात होते हैं ना, तो प्रोविंशियल असेंबलीज जो है इलेक्टोरल कॉलेज है, तो वो जो वोट डालने का इख्तियार है उनको मुंतखब करने का, तो वो देख लें आपके, ठीक हो गया, वो आपका वहां से जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज है उनका, ठीक हो गया, जो सूबाई असेंबली है वो इलेक्टोरल कॉलेज है। तो प्रेसिडेंट को मुंतखब करने के लिए इसको, ये इलेक्टोरल कॉलेज के लिए जो है वो काम करता था, क्योंकि ये जो है ये काम करता था आपका, ठीक हो गया। अच्छा जी, देन आई'ल टॉक अबाउट दी फ्यू डिप्लोमेटिक जो उनके वेंचर्स थे, उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगा। फॉर इंस्टेंस, इनके वक्त में कुछ डिप्लोमेटिक वो भी हुई, जिसमें जिसमें जो एक सिग्निफिकेंट है आपका, वो इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको आप आम जुबान में जो है वो कहते हैं, आप आम जुबान में आप इसको कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, यानी सिन तास मुआहिदा। सिन तास मुआहिदा मीन्स के जिसमें दरियाओं की पानी की तकसीम का मसला जो है वो हल किया गया, ठीक हो गया। और इससे पहले जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो अक्सर जो प्रॉब्लम होता था, दैट वाज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, दरियाओं की पानी का जो तकसीम का मसला है वो पाकिस्तान के दरमियान में जो है वो रहता था, ठीक हो गया। और पानी पाकिस्तान का बंद कर देना, जिससे पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट थे वो जो है अफेक्ट होते थे, ठीक हो गया। सो अब इसको कैसे जो है वो रिजॉल्व किया जाए, उसके लिए जो है वो आपने देखा कि उसके लिए इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो स्पॉन्सर किया गया, और उसमें जो है आपकी इंडस वाटर ट्रीटी को स्पॉन्सर किया गया, और उसको स्पॉन्सर किया ग्रेट पावर्स ने, वर्ल्ड बैंक ने, यूएस ने, ठीक हो गया जी, यूएस ने किया, और जितनी आपकी ग्रेट पावर्स थी उन्होंने किया, और उसकी वजह से फिर जो है वो तीन दरियाओं का पानी जो है उसके ऊपर जो है वो इख्तियार वो आया उसको। और जी बिल्कुल, ये जो चाइना के साथ, इसके ऊपर भी बड़ी स्टोरीज हैं, आई एग्री, ये जो बॉर्डर की डेमार्केशन है ये मसला भी उनके वक्त में हल हुआ। कुछ लोग तो कहते हैं कि चाइना को कुछ इलाका दे दिया गया, बहरहाल उसकी कोई ऑफिशियल सपोर्ट नहीं है उस वर्षन की, ठीक हो गया, दैट इज एन इंडिपेंडेंट व्यू, बट दैट हैपन्ड, यस। अच्छा, तो एक तो ये दरियाओं का, तीन दरियाओं का पानी की तकसीम का मसला उन्हें, तीन हमें, और ये तीन तीन दरियाओं का पानी, और एक इंडस वाटर कमीशन जो है वो इसके नतीजे में बना, और इंडस वाटर कमीशन जो है वो हर साल मिलता है, और वो दोनों ममालिक के दरमियान में जो पानी का जो इशू होता है उसको जो है वो लुक आफ्टर करता है, ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका इंडस वाटर ट्रीटी,
इसका जो एक और आउटकम है दैट इज एक और जो आउटकम है दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स फॉर इंस्टेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ दरबेला डैम कंस्ट्रक्शन ऑफ मंगला इस तरह के जो डैम्स हैं और बाद में फिर जो है इसके ऊपर आपको पता है भी रिसेंटली नीलम झेलम और फिर दरबेला के ऊपर गाजी बरोता तो ये जो पाकिस्तान में हाइडल जो एनर्जी की जो डेवलपमेंट है इसका काम जो है वो अयूब खान साहब को जो है वो क्रेडिट जाता है ठीक हो गया अच्छा जी फिर उसके बाद इस पे भी काफी उनके खिलाफ इस पे भी प्रोपेगेंडा हुआ कि जी ये तो पानी में देखे यहाँ पर अगर आप मुआहदा करें तो इंडिया के साथ तब भी स्कैंडल है ना करें तो तब भी तनाजा है ये एक इशू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में डिप्लोमेसी का ताशकंद अकॉर्ड वाज पोस्ट 1965 वॉर डेवलपमेंट और ये एक जंगबंदी के बाद का जो मुआहदा है वो है और ये हुआ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में इट हैपेंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इट वाज effected with the help of USSR. USSR ने सबका सोवियत यूनियन ने इसको जो है ब्रोकर किया और इसको ब्रोकर करने के बाद जो है वहाँ पे दस्तखत हुए ताशकंद अकॉर्ड पे शास्त्री और अयूब खान लेकिन यहाँ पर एक तो जंगबंदी थी ये और कैसे पीस टाइम के रिलेशन जो है वो कैसे उसको जो है वो रिस्टोर किया जाए और जो दूसरा जो मामला था वो था आपका ताशकंद अकॉर्ड में के कैसे जो है वो फ्यूचर के जो रिलेशनशिप हैं वो कैसे नॉर्मल तरीके से जो है वो कैरी ऑन किए जाएंगे यहाँ पर एक सैड इंसिडेंट हुआ और सैड इंसिडेंट वाज द डेथ ऑफ फिजिकल डेथ ऑफ शास्त्री शास्त्री वाज द इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो ताशकंद में ही वहां पे फौत हो गए अब ये तो शास्त्री की फिजिकल डेथ थी लेकिन अक्सर मैं कहता हूँ कि दिस इवेंट प्रूव्ड द पॉलिटिकल डेथ ऑफ ऑफ अयूब खान ठीक हो गए उनकी सियासी मौत साबित हुई बिकॉज अयूब खान जो अपनी पॉपुलैरिटी की पीक के ऊपर थे वो पीक से जो है वो एक डिक्लाइन जो है उसका आगाज हो गया और उनके जो ओपोनेंट थे खासतौर पर जुल्फिकार अली भुट्टो जो उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि आपने तो कश्मीर का जो मामला है उसको अंडरमाइन कर दिया है या उसको जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर दिया ठीक है सो ताशकंद अकॉर्ड जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ताशकंद अकॉर्ड जो है वो आपका ताशकंद अकॉर्ड वाज अ टर्निंग पॉइंट दोनों मालिक के दरमियान में तो यहाँ से जो है वो एक स्पेस मिली मिस्टर भुट्टो को एक स्पेस मिली कि वो जो एक स्पेस मौजूद थी एक वैक्यूम जो मौजूद था पॉलिटिकल उसको एक्सप्लॉइट करने की और अयूब खान के तमाम मुखालिफिन को एक मौका मिला पॉलिसीज आपको पता है इनकी अमूमन प्रो यूएस ही होती है ठीक हो गया इन लोगों की ज्यादा अमेरिका की तरफ जो है वो एक तारीख का एक तसलसल है जो यहाँ पर चला आ रहा है अयूब खान साहब में एक और अच्छी बात थी कि वो डेवलपमेंट को पसंद करते थे और उनके वक्त में कुछ इनोवेशंस हुई डेवलपमेंट्स हुई फॉर इंस्टेंस स्पेस की रिसर्च का इदारा बना पाकिस्तान में स्पार्को के नाम से ड्यूरिंग हिज एरा ब्रॉडकास्टिंग वॉज एक्सपेंडेड ब्रॉडकास्टिंग वॉज डेवलप्ड हर जगह रेडियो के सिग्नल्स नहीं आते थे तो रेडियो पाकिस्तान को चूंकि रेडियो एक बड़ा इफेक्टिव मीडियम है तो उनके वक्त में जो है उसको इफेक्टिव बनाया गया फिर इज ऑल्सो टू बी गिवन द क्रेडिट ऑफ उनको क्रेडिट हमें देना चाहिए इसका फॉर इंट्रोड्यूसिंग टेलीविजन सिग्नल्स इन पाकिस्तान तो पीटीवी जो है 1964 नवंबर में ऑन ट्रायल बेसिस
experimental basis where TV transmission was introduced from Lahore. अच्छा, फिर फेडरल कैपिटल को डेवलप करना, उसमें उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन है. इस्लामाबाद में हैवी इंडस्ट्री एट सर्टन प्लेसेस, उसको इंस्टॉल करने में कंटिन्यूटी ऑफ द डेवलपमेंट, दैट वाज आल्सो हिज क्लेम के उनके वक्त में एक तरक्की का एक जो तसलसल है वो जारी रहा. बिकॉज पाकिस्तान में 1951 से 58 तक जो है वो बहुत बम्पी राइड थी, और रोज हुकूमतें बदलती थी और रोज वज़ीरे आज़म बदलते थे. तो ये एक अपेरेंट कॉन्टीन्यूटी तो आई, लेकिन उसका जो नुकसान हुआ वो फिर बांग्लादेश बनने की सूरत में हुआ 1971 में, कि जब ईस्ट पाकिस्तानी आपसे खुश नहीं था और जो डेवलपमेंट थी वो भी इवन हैंडेड नहीं थी. ठीक हो गया. सो उन्होंने एक तो जो गंदम में पाकिस्तान, आप देखें आज भी फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है, चीनी नहीं है, गंदम नहीं है, सब्जी नहीं है, बहुत सी चीजें नहीं है पाकिस्तान में, और आबादी पांचवी बड़ी आबादी है पाकिस्तान. तो इन्होंने एक ये किया कि इन्होंने एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन इनके नाम से मंसूब है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इनके वक्त में आया, और ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए जो है पाकिस्तान गॉट सेल्फ सफिशिएंसी इन वीट प्रोडक्शन. ठीक हो गया. सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो वीट प्रोडक्शन ये जो है वो लेकर आए. ठीक हो गया. वीट में सेल्फ सफिशिएंसी जो है ये उनके वक्त में जो है वो लाई गई. ठीक हो गया. वीट के हवाले से. ठीक हो गया. तो एक तो ये है, और फिर उसके अलावा और मैं क्या बताऊँ आपको, ग्रीन रेवोल्यूशन भी बता दिया आपको, गंदम का भी बता दिया. अच्छा जी. और उसके अलावा इन्होंने फिर मनाया डेकेड ऑफ डेवलपमेंट. इन्हें इन लोगों को चूंकि इनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होती, और ये चूंकि एक बैकडोर दरवाजे से आए होते हैं, तो इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती. सो दे ऑलवेज ट्राई टू लाइक प्रिटेंड कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, और उस पॉपुलैरिटी को प्रूव करने के लिए दे यूटिलाइज ऑल मीन्स ऑफ पब्लिसिटी, उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं. और उस वक्त जितने भी इनके पास पब्लिसिटी के टूल्स थे, लाइक मीडियम्स थे, लाइक रेडियो पाकिस्तान था, PTV आ गया था, सरकारी अखबार थे जो नेशनल प्रेस ट्रस्ट के जेरे असर निकलते थे, जेरे इंतजाम निकलते थे. तो और एक पाकिस्तान में एक इदारा था पाकिस्तान नेशनल सेंटर, जो जगह जगह जिस तरह खाना फरंग नहीं है ईरान वालों का, या ब्रिटिश काउंसिल है, या अमेरिकन सेंटर है, उनकी लाइब्रेरी हैं, सेंटर्स हैं. तो वहाँ पे पाकिस्तान नेशनल सेंटर से इनकी जो पॉपुलैरिटी के लिए जो है वो काम होते थे. तो एक तो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट मनाई, और पाकिस्तानियों को उन्होंने ये रियलाइज करवाने की बात की कि उनके जो 10 साल हैं वो तरक्की के साल हैं, और उन्होंने यूटिलाइज ऑल हिज बेस्ट ऑफिसेस एंड एनर्जीज टू डेवलप पाकिस्तान. फिर अयूब खान, एज आई टोल्ड यू नंबर ऑफ ओकेजंस रिपीटेडली, अयूब खान का जो जहन था वो एक रोशन ख्याल आदमी थे, और वो सोशल एम्पावरमेंट, सोशल डेवलपमेंट वॉज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट. तो उन्होंने उनके दौर में एक जो है कॉन्सेप्ट को काफी एनकरेज किया गया, दैट वॉज थ्रू एक NGO के, एंड दैट वॉज ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग, के हाउ टू रिड्यूस, हाउ टू कंट्रोल, क्या जो पॉपुलेशन की जो रफ्तार है उसको जो है वो कैसे कंट्रोल दी पॉपुलेशन, कैसे जो है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए. और अब पाकिस्तान वॉज अ लीड कंट्री इन साउथ एशिया के जिसने ये इंट्रोड्यूस करवाया फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम. बट यू नो पाकिस्तानी पीपल हाउ रिजिड वी आर, लाइक वी आर नॉट ओपन टू न्यू आइडियाज, वी आर नॉट ओपन टू लाइक हम इनोवेशंस को पसंद नहीं करते. व्हाट माय पॉइंट. सो ये उन्होंने जो है ना, पाकिस्तानियों ने इसको बाय नहीं किया, ये
कोई डिस्कशन ओपननेस नहीं है आज भी फैमिलीज में, मीडिया में, फैमिलीज में, इंस्टीट्यूशंस में, और क्लर्जी नहीं इसके ऊपर, बल्कि वो रुकावट पैदा करती है इसमें, ठीक हो गया। सो आज पाकिस्तान जो है वो पांचवी बड़ी आबादी जो है वो बन गया, लेकिन उनकी रियलाइजेशन को जो है वो हमें जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, लैंड रिफॉर्म्स भी उनके वक्त में, लैंड रिफॉर्म्स भी हुई हैं, ठीक हो गया, और बड़े जो है उसमें कुछ इकदाम, जिस तरह नौमान कह रहे हैं, जो इंडिया से रेफ्यूजीज आए हुए थे उनकी सेटलमेंट के हवाले से, क्योंकि बिकॉज ही हैड लॉन्ग टेन्योर, यहाँ पे हुकूमतों को काम भी तुर्क नहीं करने दिया जाता, ठीक हो गया। लैंड रिफॉर्म्स के कुछ इन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया, कुछ जो है वो इनके वक्त में, भुट्टो साहब के वक्त में भी कुछ इनिशिएटिव जो है वो लिए गए। अच्छा जी, अब कुछ बातें यहिया खान साहब के बारे में। यहिया खान साहब जो थे, ही वॉज ऑल्सो इन दैट कैटेगरी जिसमें मैंने अभी बात की अयूब साहब की, और दे वर वेरी लकी दैट उस वक्त जो है वो एक जरूरत थी, ऐसे लोगों की के जो ऐसे लोगों की जरूरत थी कि जो इंडिजीनियस हों, और ये लोग सीनियर थे, एंड सो दे गॉट अपॉर्चुनिटीज टू कमांड सीनियर पोजिशंस एंड एलिवेटेड एट अ वेरी यंग एज टू द सीनियर पोजिशंस। तो ये उनकी खुशकिस्मती थी। ये तीसरे प्रेसिडेंट थे, और ये एट द टाइम ऑफ पार्टीशन जो है, आप अगर आर्मी के स्ट्रक्चर से वाकिफ हो तो आर्मी में एक जो अच्छी एक रवायत है वो ये है कि एक अच्छी रवायत है वो ये है कि एक अच्छी रवायत उसमें ये है कि आर्मी अपना जो बेस्ट टैलेंट होती है वो इंस्ट्रक्शंस पे भी, सिर्फ कमांड पे नहीं असाइन करती, के सिर्फ कमांडिंग पोजीशन पे के उनको यूनिट कमांड करे या कोर को कमांड करे, इस तरह नहीं। वो वहाँ पे जो अच्छे अफसर हैं उनको उसमें भी लेकर जाती है, उसमें इंस्ट्रक्शनल असाइनमेंट पे, अपनी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भी जो है वो उनको लेकर जाते हैं, ठीक हो गया। वहाँ पे भी लेकर जाते हैं उनको। तो आप देखें कि ही वाज इंस्ट्रक्टर, यानी जिसको डीएस कहते हैं आजकल, डायरेक्टिंग स्टाफ जिसको कहते हैं, तो वो उनको जो है वहाँ पे स्टाफ कॉलेज क्वेटा में असाइनमेंट मिली जिस वक्त पाकिस्तान बना, और ही वॉज वेरी यंग, बहुत उनकी यंग एज थी, व्हेन ही वॉज वेरी यंग, व्हेन ही वॉज 34, के उनकी जो प्रमोशन है वो एज अ ब्रिगेडियर जनरल जो है वो प्रमोशन उनकी हुई, ठीक हो गया, एट अ वेरी यंग एज, ठीक हो गया। ही वॉज पोस्टेड एज ब्रिगेडियर जनरल, ठीक हो गया। और तो ये एक उनको एक मौका मिला कि यंग एज पे, और आजकल जो है इतनी 34 की एज पे जो है वो 34 की एज पे जो है वो आजकल शायद कोई 34 की एज पे जो है वो शायद आजकल कोई लेफ्टिनेंट कर्नल भी शायद जो है नहीं बनते, ठीक हो गए। सो दे वर अगेन एंड अगेन आई टोल्ड यू के स्पेस भी मौजूद थी, ठीक हो गए। अच्छा जी, एक पाकिस्तान में एक यूनिक ट्रांजिशन हुई, दिस वाज अ यूनिक ट्रांजिशन ऑफ आर हिस्ट्री, यूनिक ट्रांजिशन ऑफ आर हिस्ट्री इन अ सेंस के
on 25th of March 1969. This was the unique transition of our history, and it happened only once, और अल्लाह करे कि ये once ही रहे तारीख में. और वो क्या थी, और वो ये थी कि that happened only once. और इन्होंने क्या किया कि आइन में तो ये था, आइन में कि वो जो ट्रांसफर अगर करनी भी थी पावर, तो वो तो करनी चाहिए थी उसको टू द स्पीकर ऑफ द असेंबली. ठीक हो गया, उस वक्त के जो स्पीकर थे अब्दुल जब्बार खान उनका नाम था, तो उनको जो है वो ट्रांसफर करते पावर और फिर जाते. हालात खराब हो चुके थे. ठीक हो गया, तो दिस वाज अ यूनिक ट्रांजिशन ऑफ आर हिस्ट्री के जिसमें जो है वो आपने देखा कि जो ट्रांजिशन है दैट हैपेंड फ्रॉम वन मिलिट्री जनरल टू अनदर मिलिट्री जनरल, फ्रॉम वन मिलिट्री जनरल टू अनदर मिलिट्री जनरल जो है ये ट्रांजिशन जो है वो हमने देखी. सो इसलिए जो है वो ये यूनिक एक आपको ट्रांजिशन जो है वो मिलती है आपकी हिस्ट्री की. What sort of challenges Mr. Yahya had been confronting? जी, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा जो है, जो इस एरिया का, जो इस रीजन का सबसे पुराना जो है मिलिट्री का स्टाफ कॉलेज है. अभी मुझे उन्होंने इनवाइट किया था, मैं गया था. ये गालिबन 1905 में शायद और कब बना है. सो वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ मिलिट्री, जहाँ बाहर के मुल्कों से भी ऑफिसर्स आते हैं, दे आर बीइंग ट्रेन्ड ओवर देयर. अच्छा, फिर आप आ जाएं कि चैलेंजेस, व्हाट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस आर बीइंग कन्फ्रंटेड, वर कन्फ्रंटेड बाय याया खान, ये भी हमें देखना है. और उसमें चैलेंजेस में आप देखें कि एक तो उसने वन मैन रूल को ट्रांसफॉर्म करना था, किसमें, एक डेमोक्रेटिक रूल में वन मैन रूल को ट्रांसफॉर्म करना था. वन मैन रूल वॉज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डेमोक्रेटिक रूल, लेकिन अगला क्वेश्चन है हाउ, कैसे ट्रांसफॉर्म करना था, क्या उसके लिए जो है वो इलेक्शंस करवाने जरूरी थे. इलेक्शंस के बगैर तो, क्योंकि अयूब खान का भी वन मैन रूल था, फिर याहिया खान का भी वन मैन रूल था, अब आपके कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर करते विदाउट जो है आप इलेक्शन करवाए. ठीक हो गया, और इलेक्शन आप करवाते किसके तहत, आइन तो था नहीं, तो आपको एक आइन भी तो लाना था ना, तो आपको इलेक्शन भी करवाना था, आपको एक एक आइन भी लाना था, अर्जी, ये सारे काम करने थे. ही हैड टू ट्रांसफॉर्म मल्टीपल रोल्स, परफॉर्म मल्टीपल रोल्स, ड्राफ्ट द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने एक आरजी आइन भी बनाना था, जिस तरह मैंने आपको कहा, जिस तरह वो पीसीओ लेकर आए, एलएफओ लेकर आए, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर. तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था वो, उसमें ये था कि इलेक्शंस कब होंगे, इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए क्या शराइत होंगी, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, असेंबली की सीटें कितनी होंगी, ये सारी चीजें, और फिर इस असेंबली का इजलास कब बुलाया जाएगा, पार्लियामेंट का, ये सारी चीजें एलएफओ में लिखी हुई थी. तो इशूड दी एलएफओ. ठीक हो गया, और प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन, रिजॉल्व द वन यूनिट क्वेश्चन, वन यूनिट जो था उसको भी रिजॉल्व करना था. वन यूनिट क्या था, वन यूनिट वाज के एक यूनिट तो आपका था, एक यूनिट आपका था जनाब, योर वन यूनिट वाज, वन यूनिट वाज आपका था जनाब, वन यूनिट आपका था, वन यूनिट आपका था ईस्ट पाकिस्तान. तो इधर जो थे आपके यूनिट्स थे बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और सूबा सरहद, तो उनको ख़त्म करके एक यूनिट बना दिया गया, यानी बलूचिस्तान और सूबा सरहद और सिंध और पंजाब को ख़त्म करके एक यूनिट जो है उसको बना दिया गया, एक यूनिट उसको बना दिया गया, और उस एक यूनिट को जो नाम दिया गया दैट वॉज वेस्ट पाकिस्तान, यानी जिसको वन यूनिट बन. तो उन्होंने कहा कि कैसे जो है वो वन यूनिट का क्वेश्चन जो है, क्योंकि दे वर नॉट हैप्पी
ये प्रोविंसेस खुश नहीं थे। उन्होंने कहा खत्म करें इसको, क्योंकि इससे हमारी जो पंजाब आपने खत्म कर दिया है, तो पंजाबी की पहचान पंजाब से, ठीक हो गया, यानी पाकिस्तानीज आर मोर इंटरेस्टेड इन देयर एथनिक आइडेंटिटी। तो ये मुतालबा था अयूब खान से, लेकिन अयूब खान तो सुनता ही नहीं था किसी की, और ये आदमी वॉज अ बिट मोर डेमोक्रेटिक। तो उसने कहा ठीक है, अगर पीपल आर नॉट हैप्पी तो इसको क्यों 1 यूनिट को आप रखते हैं, खत्म कर दें। सो ही हैड टू रिजॉल्व, इसको हल करना था। और इसने कहा कि आई एम द केयर टेकर हेड ऑफ द कंट्री। केयर टेकर हेड ऑफ द कंट्री मीन्स कि आई एम हेयर फॉर अ वाइल, मैं यहाँ पर, यानी जिया और अयूब खान और मुशरफ साहब की तरह मुस्तकिल वक्त के लिए नहीं आया। आई एम हेयर फॉर जुज वक्ती, फॉर अ वाइल, इलेक्शन कराऊंगा और चला जाऊंगा। और इससे उसका इरादा, यानी उसका कोई मुस्तकिल इरादा नहीं था, ठीक हो गया। और ही हैड टू रिजॉल्व 1 यूनिट क्वेश्चन, और उसने 1 यूनिट क्वेश्चन जो है वो भी रिजॉल्व करना था, ठीक हो गया। 1 यूनिट क्वेश्चन को भी रिजॉल्व करना था, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1 यूनिट क्वेश्चन को, कि उसको खत्म करना था। और केयर टेकर हेड ऑफ द कंट्री था, फॉर अ वाइल था, नॉट फॉर 10 ईयर्स लाइक मिस्टर मुशर्रफ और मिस्टर अयूब खान। ही हैड टू सेटिस्फाई द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द ईस्टर्न विंग। ये बड़ा मुश्किल काम था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ये बहुत लेट हो चुका था ये काम, और यही सबसे मुश्किल काम था कि ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे, दे वर नॉट हैप्पी विद दी इलीट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान की इलीट से, जर्नैलों से, ब्यूरोक्रेट से, लीडर्स से, दे वर नॉट हैप्पी। सो दैट्स वाई दे वॉन्टेड के वो किसी तरीके से जो है वो एक मुनज़म तरीके से या तो मैक्सिमम ऑटोनोमी हासिल कर लें या आज़ादी हासिल कर लें। उन्होंने आज़ादी हासिल कर ली, ठीक हो गया। अच्छा, देन ही डिसॉल्व द 1 यूनिट, उन्होंने 1 यूनिट को डिसॉल्व कर दिया और रिस्टोर कर दी द प्री-1955 प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। 1 यूनिट को डिसॉल्व कर दिया उन्होंने, और जिस तरह मैंने कहा, बिकॉज वेस्ट पाकिस्तान के लोग खुश नहीं थे इस वेस्ट पाकिस्तान से, क्योंकि मरकज एक जगह पे बना दिया गया और सूबों की हैसियत ही खत्म कर दी। इस पे चारों कौमियतें जो है वो खुश नहीं थी, इवन ईस्ट पाकिस्तान के लोग खुश नहीं थे, बिकॉज उनका ये ख्याल था कि शायद ये हमारा मुकाबला करने के लिए जो है ये काउंटर बैलेंस, उनकी 54% आबादी थी, तो उन्होंने कहा शायद ये हमें काउंटर बैलेंस करने के लिए ये सारा मामला जो है वो किया जा रहा है, ठीक हो गया। देन जो दूसरा है कि ही वन मैन वन वोट के एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, कि हर बालिग शख्स को जो है एक वोट का हक, ये याह्या खान साहब ने दिया पाकिस्तान में पहली मर्तबा जमहूरी मुल्क बनाने में, जो है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो याह्या खान साहब का है। अच्छा, ही डबल्ड द कोटा फॉर बंगालीज इन डिफेंस सर्विसेज। अभी मैंने आपको ये बात बताई थी ना कि ये हैड टू सेटिस्फाई द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द ईस्टर्न विंग। ये मुश्किल काम था उसके लिए, और ये जो है उन्होंने अपनी कोशिश की कि बंगालियों का डिफेंस में, चूंकि नौकरियां ज्यादा होती हैं, तो ही डबल्ड द कोटा, लेकिन इट वॉज टू लेट, बिकॉज अब बंगाली शायद नो रिटर्न वाली गली में थे, जहां पर रास्ता बंद था और उनके लिए कोई और रास्ता नहीं था। ये तो काम करने में थे कि 1955 में किए जाते, 58 में किए जाते, आप कर रहे हैं ये काम 69 और 70 में, अब तो बहुत देर हो चुकी है। उनका ये गिले शिकवे थे, अब तो वो कुछ और इरादे किए हुए थे, और आपने देख लिया चंद माह बाद उन्होंने जो है वो आजादी हासिल कर ली, ठीक हो गया। सो दैट डिड नॉट वर्क, लेकिन हमें याह्या खान की इखलास पे, खुलूस पे वो जो है वो शक नहीं करना चाहिए। एस्टेब्लिश द लिंक्स बिटवीन चाइना एंड यूएसए, चाइना और यूएसए के दरमियान में देर हैड बिन नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। और जो दो इस वक्त आपके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं परमानेंट, तो इनके दरमियान में एक वो नहीं था, एक एक वो नहीं था, एक
एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं थी। ये जो है ये उनके वक्त में फिर जो है वो रेस्टोरेशन हुई, और हेनरी किसिंजर का सीक्रेट मिशन विजिट जो है वो पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया। सो बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो पाकिस्तान ने अरेंज की, और ये जो रेस्टोरेशन है इसमें पाकिस्तान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। जनरल याह्या इशूड एलएफओ एज आई टोल्ड यू के कोई आईन नहीं था, तो किस आईन के तहत, किस कानून के तहत वो करवाते इलेक्शन, उसके लिए एक आईन लेकर आए जिसको एलएफओ कहते हैं, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो हैं वो हुए, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, और वो हुए जनाब 7 दिसंबर 1970 को, और फर्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान में एडल्ट फ्रेंचाइज पे वोटिंग हुई। लेकिन गलती कहाँ से हुई, सारी चीजें ठीक थी, ये सब चीजें अयूब खान याह्या खान के क्रेडिट पे जाती हैं। बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वाज दैट ही फेल्ड टू कन्वीन द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, बट रादर ही पोस्टपोन्ड द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, एंड वेयर इट हैड बिन रिटन, इट वाज रिटन इन द एलएफओ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, के इतने दिनों में जो है वो करवाया जाएगा आपका, करवाया जाएगा आपके इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट का इजलास जो है वो बुलाया जाएगा। सो ये करवाना किसका काम था, इट वाज नाइदर द मुजीबुर रहमान जॉब, ना तो ये मुजीबुर रहमान की वो थी, ना तो ये मुजीबुर रहमान की वो थी एक, ना तो उसकी जॉब थी मुजीबुर रहमान की, ना ये जॉब जो थी वो भुट्टो की थी। ये तो याह्या खान प्रेसिडेंट थे, ही वाज द मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, बट ही फेल्ड टू डू सो, और जब वो फेल हो गए तो फिर आपको पता है वायलेंस जो है वो आउटब्रेक हमने देखी। सियासी हकाइक क्या थे, व्हाट वर द पॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ दैट टाइम। 62 का आइन तो बेटे उसके साथ ही चला गया, यही तो मसला है पाकिस्तान, ठीक हो गया। और 62 के आईन पे तो वो अगर अमल दरामत करते अयूब खान खुद ही, तो मैंने, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपके थे जनाब, जो आपके थे स्पीकर साहब, ठीक हो गया, स्पीकर साहब जो थे आपके वो अब्दुल जब्बार खान साहब थे, तो फिर उनको वो उनको वो दे देते इक्तदार, उनके हाथ दे देते, उन्होंने तो फिर अपने एक और जरनेल के हवाले कर दिया। एनआईसी, नहीं, एनआईसी आप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की बात कर रहे हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड 2000 में तो नहीं इशू हुआ, ये तो भुट्टो साहब के वक्त में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक हो गया ना। और दूसरा, वोट डालने के लिए तो पहले सिर्फ शनाख्ती कार्ड की शर्त नहीं थी, आप कोई भी चीज, आपका नाम रजिस्टर्ड था तो आप पहले, ये तो अब एनआईसी आप लेकर जाते हैं, सीएनआईसी, अब तो जो है वो आप पहले जो था आप कोई लाइसेंस ले जाते थे या पासपोर्ट ले जाते थे या कोई भी सर्विस कार्ड ले जाते थे या स्टूडेंट कार्ड ले जाते थे, तो उस पे जो थे वो आपको वो शिनाख्त कर लेते थे वोट के लिए। तो ये भुट्टो साहब के वक्त में आई है मेरे नॉलेज के मुताबिक, जो है जो आपका शिनाख्ती कार्ड है, ठीक हो गया। सियासी हकाइक क्या थे, अवामी लीग जो है वन ऑलमोस्ट ऑल सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान बट नन इन वेस्ट पाकिस्तान। अवामी लीग ने वेस्ट पाकिस्तान में जो है वो तमाम सीटें जो है वो जीत ली, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान वालों ने तो सारी सीटें जीत ली, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान ने जो है में अवामी लीग ने तमाम सीटें जीती, लेकिन जो आपके हैं, वेलकम जी,
जो आपके ये वेस्ट पाकिस्तान में उन्होंने कोई सीट नहीं जीती। इसका मतलब ये कि अवामी लीग बंगालियों की पार्टी थी कि कोई सीट ही नहीं जीती इधर। और इसी तरह पीपीपी ने कोई सीट नहीं जीती ईस्ट पाकिस्तान में। तो इसका मतलब हो गया कि ये यहाँ के नुमाइंदा थे और वो जो थे वो वहां के नुमाइंदा थे। ठीक हो गया। तो दोनों में जो है वो एक फर्क जो है वो आपको वाजे जो है वो हो जाता है। ठीक हो गया। और एक एथनिक या आपको रीजनल पार्टीज के सूरत में इनकी शनाख्त मिली। तो पीपीपी जो है वो यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान में उन्होंने सीटें जीती। अवामी लीग ने 162 सीट्स और पीपीपी जो है टोटल 88 सीट्स। अब इट्स इन इन जो अगर आप देखें डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी में इट्स मेजोरिटी दैट रूल्स। तो उनकी वैसे भी आबादी 54% थी, जिस तरह आज पंजाब की ज्यादा आबादी है। तो उनकी सीटें भी ज्यादा थी। दे हैड 162 सीट्स। याया फेल्ड टू इफेक्ट अ कॉम्प्रोमाइज। याया जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करवा सके और यही याया की कमजोरी थी। और इंस्टेड लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्च लाइट। और बजाय के वो दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज करवाते या उनको डराते धमकाते दोनों को, उल्टा उन दोनों को ये कंट्रोल नहीं कर सके, मुजीब और भुट्टो को। और लोग तो कहते हैं कि ये जो हुआ ये भुट्टो के ज्यादा जो है तरफ ज्यादा इंक्लाइंड थे या। और जब आपने खुद ही LFO लिखा हुआ है कि 120 दिन के अंदर जो है वो आपने असेंबली का सेशन जो है वो बुलाना है, तो आप वो नहीं बुला सके, तो उनके पास क्या रास्ता है कि आप उनको जमहूरी तरीके से भी ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं कर रहे। आपने उल्टा जो है वो ऑपरेशन सर्च लाइट वहां पे ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन कर दी और वहां पे नतीजा उसका ये निकला कि 91,000 ट्रूप्स जो है वो सरेंडर हो गए। ठीक हो गया। सो दिस वॉज लाइक ऑपरेशन सर्च लाइट। और मुजीब जो है वो उनकी अरेस्ट हो गई। और जब अरेस्ट हो गई तो ईस्ट पाकिस्तान में हंगामे फूट खड़े हुए और उन्होंने 91,000 फौजी जो है वो वहां पे सरेंडर हो गया, 91। और जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स थे और जितने भी अफसर यहाँ से वेस्ट पाकिस्तान से जानते थे उनको भी उन्होंने जंगी कैदी जो है वो बना लिया। मुजीब को इसलिए अरेस्ट किया कि वहां पे जो है आपने जो मुजीब को इसलिए अरेस्ट किया कि आप उन्होंने ये कहा कि अगर आप नहीं असेंबली का सेशन बुलाएंगे तो वील गो फॉर अ मूवमेंट, प्रोटेस्ट मूवमेंट। ठीक हो गया। बिकॉज दे वर रेडी टू रिएक्ट। तो उनका जो लीडर था उसी को अरेस्ट कर लिया गया और दैट वॉज अ ब्लंडर। याया का फेलियोर मेरे ख्याल से ये कि वो ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं करवा सके और असेंबली का सेशन नहीं बुलवा सके। ब्रॉडली अगर मैं कहूँ ये उसके फेलियोर थे कि ही फेल्ड टू इफेक्ट अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन भुट्टो एंड याया एंड ही फेल्ड टू कन्वीन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट दैट वाज रिटन इन द LFO। भुट्टो साहब चौथे प्रेसिडेंट थे, पाकिस्तान के 9वें प्राइम मिनिस्टर थे। और भुट्टो साहब जो थे वो ही वाज दी एक तो ही वाज दी फाउंडर ऑफ ही वाज दी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और पाकिस्तान में पहली मर्तबा फर्स्ट टाइम इन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन्होंने एक पॉपुलर पॉलिटिक्स जो है अवामी सियासत जो है वो क्रेडिट जो है वो आपका जाता है भुट्टो साहब को। भुट्टो साहब जो है वो ही वाज वेरी वाइज, वेरी क्लेवर, वेरी इंटेलिजेंट इन हिज मूव्स। और ही वाज अवेयर के देयर स्पेस वाज एम्प्टी, स्पेस वाज अवेलेबल। और पीपीपी के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई और उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया, जो आज भी लोगों का जो है आज भी तमाम पॉलिटिशियंस वो उनको फॉलो करते हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली।
Because Bhutto rightly pointed out ke what is the real problem, what was the real problem of Pakistani people, because it's a poor country, roti kapda makan is the real issue of Pakistan. तो अवाम की जुबान में, दो ही वॉज अ वडेरा, ही वॉज अ फ्यूडल, बट ही स्टार्टेड थिंकिंग एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग इन द लैंग्वेज ऑफ पब्लिक. जब आप पब्लिक की लैंग्वेज में, उनकी टोन पे, यही असल सियासत होती है कि जब आप लोगों की बात को समझ के और उसकी तर्जुमानी करने की कोशिश करें, और अगर एक और मरहला होता है कि अगर आप उनके मसाइल को उस तरह हल करने की कोशिश करें लिमिटेड मींस में, तो असल लीडरशिप वो होती है. लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में कॉन्टिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम जो है वो दैट ऑलवेज रिमेंड अ वेरी रेयर फेनोमिनन. भुट्टो साहब वॉज वेरी वेल एजुकेटेड मैन. ही वॉज द सन ऑफ सर शाहनवाज भुट्टो, हु हिमसेल्फ वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन यूनाइटेड इंडिया, और he was from a very rich landed class, and he was a lawyer by profession. He got education from institutions like Berkeley and Oxford. He was a lawyer by profession. He joined the cabinet of Iskandar Mirza at a very young age as a commerce minister, and later he joined the Ayub Khan's cabinet as a foreign minister. या भुट्टो साहब जो है वन पॉपुलैरिटी एज फॉरेन मिनिस्टर, एंड ही प्लेटेड पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू एट इंटरनेशनल फोरम्स एट इन अ वेरी एंथुजियास्टिक मैनर. ही इज रिमेम्बर्ड वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स एवर प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंट्री. ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ ऑपरेशन जिब्राल्टर. ऑपरेशन जिब्राल्टर वॉज एन ऑपरेशन प्लान्ड एंड कॉइंड एंड और मेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ इंडियन हेल्ड कश्मीर. ये उनका एक वो था, और उसमें ये स्ट्रेटेजी थी कि देर विल बी इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम आर साइड फ्रॉम ट्राइबल लश्कर्स, एंड दे विल बी सपोर्टेड बाय दी कश्मीरीज ओवर देयर, एंड देन इफ री इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय आर आर्मी. बट दैट डिड नॉट वर्क, और वो बैकफायर किया, एंड दैट इनिशिएटिव वॉज कन्वर्टेड इन टू अ फुल स्केल वॉर ऑफ 1965. ये जो है उसमें कन्वर्ट हो गया, तो फिर ये फेल हो गया ये ऑपरेशन. तो उससे फिर नतीजतन जो है उन्हें जो है वो फिर उनको जो है अपना पोर्टफोलियो जो है वो लूज करना पड़ा फॉरेन मिनिस्ट्री का. उनकी और अयूब खान की जो राहें थी वो जुदा हो गई. सो दैट वाज अप्रोप्रिएट टाइम, और टग ऑफ वॉर दोनों के दरमियान में एक स्टार्ट हो गई सियासी. और ताशकंद अकॉर्ड का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये एक टर्निंग पॉइंट था. जहां जहां शास्त्री की मौत हुई वहां अयूब खान का जो है वो सियासी जवाल शुरू हो गया, सियासी डेथ शुरू हो गई, और यहां से जो है वो राइज और क्लाइमेक्स ऑफ मिस्टर भुट्टोज पॉलिटिक्स स्टार्टेड व्हेन ही फाउंडेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन 1967. एंड फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान जो है पॉपुलर पॉलिटिक्स की जो बुनियाद है वो आपको भुट्टो साहब ने डाली. इलेक्शंस 1970 के जो हुए मैंने आपको उसका बता दिया कि इलेक्शंस में 88 सीट्स जो है उन्होंने जीती, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो थे वो उन्होंने इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, अब कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं जिस तरह अभी किसी ने सवाल किया था कि वो 62 का, वो तो हमारे यहाँ तो आपको पता है कि मामला किस तरह चलते हैं. हैड देयर बीन द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अ रियलिटी, पाकिस्तान प्रोबेबली हैड बीन अ डिफरेंट कंट्री. अगर आईनी बालादस्ती की यहाँ पर बात होती तो आज तो यहाँ मामला बहुत डिफरेंट होते. यहाँ हमारी क्वालिटी ऑफ जो डेमोक्रेसी है
वो बहुत डिफरेंट होती। इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन लेकर है कि एक जो आपका है इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो आपके अर्जी एक कायम जिसको कह लें, ठीक हो गया, फॉर टाइम बीइंग, और फिर मुस्तकिल लाइन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन जो है वो लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन। और फिर आपका जो है ये उस को प्रेजेंट किया गया, जब व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन को जब ये मैंडेट दिया गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करें, और दैट वाज डिस्कस्ड इन द असेंबली। क्रेडिट गोज टू जुल्फिकार अली भुट्टो, हु इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हु इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्सेंसिस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन्होंने जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्सेंसिस वो लेकर आए। ये क्रेडिट पाकिस्तान में कॉन्सेंसिस आर वेरी रेयर, कॉन्सेंसिस आर वेरी रेयर, ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। तो ये एक इशू है, ठीक हो गया, कि कॉन्सेंसिस जो है वो बहुत रेयर है हमारे हिस्ट्री में। अच्छा, तो एक तो कॉन्सेंसिस क्रिएट किए गए इन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, तो ये एक तमाम जितने पार्लियामेंट्री लीडर थे उस वक्त के, ऑल वर लाइक दे साइंड, और आज भी चाहे वो मजहबी पार्टी है, चाहे नेशनलिस्ट पार्टी है, चाहे राइट की पार्टी है, चाहे लेफ्ट की पार्टी है, एवरीवन सपोर्ट्स 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तमाम जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते हैं, जितने लोग उस वक्त मौजूद थे आपके उसमें, आपके जितने लोग मौजूद थे इसमें असेंबली में, उन्होंने जो है यूनानिमसली जो है वो उसको पास किया एज अ कंसेंसस के डॉक्यूमेंट के तौर पे। अच्छा, देन आप आ जाएं कि ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ, ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ, रिगार्डेड एज फादर ऑफ पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस क्रेडिट गोज टू, क्रेडिट गोज टू भुट्टो साहब के उनके वक्त में जो है उसमें एक एक्सेलरेशन जो है वो आई। और आज अगर अददी तादाद में हम इंडिया की जो, इंडिया की जो वो है, इंडिया की जो एक अददी, एक जो मिलिट्री के साथ जो मैच करना है वो गालिबन हम वो नहीं कर सकते उसका कंपैरिजन उसके साथ, ठीक हो गया। सो वी कैन नॉट डू दैट, हम वो नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो ये जो डेटरेंस है, और अगर ये ना होती तो आज पाकिस्तान के सिक्योरिटी डायनामिक्स जो है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट होते। सो दिस इज वेरी लाइक पॉजिटिव इन पाकिस्तान में, कि एक हमारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और अदरवाइज हम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में शायद मुकाबला नहीं कर सकते। एक उनका जो फ्लॉ था वो ये था कि ही वाज अपेरेंटली अ डेमोक्रेट, बट उनका जो माइंडसेट था दैट वाज ऑटोक्रेटिक, दैट वाज अ फ्यूडल माइंडसेट। जो फ्यूडल माइंडसेट था तो उनका ये बहुत डिफरेंट था, ठीक हो गया, फ्यूडल माइंडसेट था उनका। और उन्होंने ऑपोजिशन को जो है वो मिस ट्रीट किया, उनको रफ ट्रीट किया, उनको मैल ट्रीट किया, उनको इंसल्ट की उनकी, और ये चीज जो है उनके अगेंस्ट गई, दिस वेंट अगेंस्ट देम, ठीक हो गया, दिस दिस वेंट अगेंस्ट
मिस्टर भुट्टो, और तमाम ऑपोजिशन जो है वो भुट्टो साहब के खिलाफ जमा हो गई। बलूचिस्तान में उन्होंने क्या किया, नेशनल अवामी पार्टी को बैन कर दिया, जो पॉलिटिकल पार्टी उसको बैन कर दिया, और फिर बलूचिस्तान में उन्होंने एक नेशनल अवामी पार्टी पे एक फेक मुकदमा बना दिया, फिर वहां पर गवर्नर राज नाफिस कर दिया। तो ये ऑपोजिशन को मिसट्रीट करना, और इसके लिए उन्होंने एक FSF के नाम से एक तंजीम बनाई हुई थी, FSF, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स एक बनाई हुई थी, जो अपने मुखालिफिन को डील करने के लिए जो है उन्होंने रखी हुई थी। तो ये जो पॉलिटिकल हेट्रेड थी, ये जनाब भुट्टो साहब के खिलाफ जो है वो वक्त के साथ वो बढ़ी, ठीक हो गया, और तमाम लोग जो है उनके खिलाफ IGI के प्लेटफॉर्म से, सॉरी PNA के प्लेटफॉर्म पे, पाकिस्तान नेशनल अलायंस के प्लेटफॉर्म पे उनके खिलाफ इकट्ठे हो गए। भुट्टो साहब वॉज चूंकि बहुत वेल एजुकेटेड आदमी थे, वॉज वेरी वेल एजुकेटेड मैन, ठीक हो गया, सो जो वेल एजुकेटेड मैन थे, तो उनका ये एक पैशन था एजुकेशनल डेवलपमेंट, ऑक्सफोर्ड बर्कले के पढ़े हुए थे, तो उन्होंने अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आए, कि जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट था, डिस्टेंस लर्निंग का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम इस एरिया में, इस रीजन में वो भुट्टो साहब लेकर आए, इसका डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का, डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम वो लेकर आए, कि जो लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करवा लें, खत के जरिए, आजकल ईमेल के जरिए, पोस्ट के जरिए वो अपने लेसन जो है ट्यूटर को भिजवाए। तो ये एक उन लोगों के लिए जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, कभी कॉलेज स्कूल नहीं गए थे, आज सबसे ज्यादा एनरोलमेंट इनकी है, ठीक हो गया। फिर इट वॉज एन इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, फिर आप आपके कायदे आजम यूनिवर्सिटी जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, गुमल यूनिवर्सिटी, सदरन अजला के लिए जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को इतनी दूर नहीं भेज सकते थे, तो उनको जो है उनको कैसे जो है दूर दराज इलाकों में ना जाते हुए जो है वो जो है अपने घर के करीब जो है वो तालीम का मौका जो है वो उनको मिल जाए, ठीक हो गया। और इनके अलावा नंबर ऑफ अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो उनके उनके क्रेडिट पे जो है वो आपको मिलेंगे। अच्छा, फिर राजे जनाब के उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी थी, दैट इज एडमायर्ड, दैट इज अप्रिशिएटेड, और उसकी रीजन जो है वो ये है, दैट्स रीजन उसकी ये है कि उसकी रीजन ये है कि आपके उनकी जो एजुकेशनल पॉलिसी थी, दैट वाज बेस्ड ऑन पॉवर्टी, के पॉवर्टी जो थी वो स्टैंडर्ड था, नॉट द कॉम्पिटेंस, के जो गरीब का बच्चा है उसको स्कॉलरशिप जो मिलता था या फी सेशन, किस में आप दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी है जहां बच्चे आउट ऑफ स्कूल है 22.8 मिलियन बच्चे, ये कहा कि उनको आप बच्चों को अट्रैक्ट करें इस तरह के टैक्टिस से के फी कंसेशन दें उनको, ठीक हो गया, फी कंसेशंस दें उनको, स्कॉलरशिप्स। इन बलूचिस्तान मैंने ऑलरेडी कई मरतबा जिक्र कर दिया, प्रॉबेबली वी डिड नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। अभी बांग्लादेश को बने हुए 4 महीने हुए थे, साल डेढ़ हुआ था, और एक नया फ्रंट खोल लिया गया, और दैट वाज इन बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में गवर्नर राज लगा दिया गया, चीफ मिनिस्टर को फारिग कर दिया गया, वो JUI और नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत थी वहां पे, जब उनको फारिग कर दिया गया तो फिर जो है आपने देखा कि
देन यू सॉ के एनडब्ल्यूएफपी में भी जो हुकूमत थी वो भी नेशनल अवामी पार्टी और नेशनल अवामी पार्टी और सो ये जो उनकी पार्टी की हुकूमत थी तो मुफ्ती महमूद साहब जो मौलाना फजल रहमान के वालिद थे तो उन्होंने सॉलिडेरिटी में रिजाइन कर दिया हुकूमत से कि आपने बलोच। तो आप देखें कि दो मेजर नेशनैलिटी आपके खिलाफ हो गई, बलोच और पश्तूंस भुट्टो के, और मजहबी तबके JUI मजहबी तबकों की नुमाइंदगी करती है। तो एक इंसर्जेंसी वहां शुरू हो गई बलोचिस्तान में, एक रिफ्रेश हो गई, ऑलरेडी चल रही थी, और ये दो चीफ मिनिस्टर चले गए। नेशनल अवामी पार्टी को बैन करना बाय अ डेमोक्रेट लाइक भुट्टो, इट वाज अ डिजास्टर, इट अर्नड लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। और उन्होंने जो है वो एक, अगर जियाउल हक बैन करता तो लोग ना क्रिटिसाइज करते, भुट्टो तो एक जमहूरी आदमी था, तो उन्होंने इसको बैन किया। और उसके बाद हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस, यानी जो केस एक चलाया गया हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस, तो हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस चलाया गया, और हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस जो है, हैदराबाद में 52 बलोच और पश्तून नेशनलिस्ट जो है वो पकड़े गए, और उनको उनसे असला रिकवरी का केस बनाया गया, इराक की एम्बेसी के साथ एक लिंक उसका क्रिएट किया गया, और इस तरह जो है नेशनल अवामी पार्टी को बैन कर दिया गया। अब ये केस खत्म किसने किया? ये केस खत्म जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने खत्म किया। सो ये भुट्टो साहब की कुछ संगीन सियासी गलतियां थी। फिर आ जाए लेबर पॉलिसी। भुट्टो साहब ने लेबर पॉलिसी और लेबर कोर्ट्स एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, लेबर को जुबान दी, लेबर को राइट्स दिए, लेकिन भुट्टो साहब बैलेंस करना भूल गए। भुट्टो साहब ये बताना भूल गए कि भाई बैलेंस कितना जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत जरूरी है। और आज आपने देख लिया कि PIA और आपकी रेलवेज और बहुत से इदारे जो हैं वो तकरीबन जो है वो डेफिसिट में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, ठीक हो गया, नुकसान में जा रहे हैं वो, ठीक हो गया। सो ये लेबर जो है वो उसने राइट्स की तो बात की, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको रेयर नजर आती है। फिर आप आ जाए पासपोर्ट रिफॉर्म्स, जो भी मुझसे कोई सवाल पूछ रहा था, तो रजिस्ट्रेशन यानी शनाख्त के अलावा पासपोर्ट रिफॉर्म्स, पहले पासपोर्ट जो था वो मिलता था सेलेक्टिव लोगों को, इलीट क्लास को, भुट्टो साहब ने इसमें लिबरलाइजेशन लेकर आए। जब लिबरलाइजेशन आई तो एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर में जो है वो हमें फैसिलिटेशन हुई, और आज हमें जो है वो एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो सालाना वो हमारे बहन भाई जो है वो बाहर से भिजवाते हैं। जी नमाज ब्रेक कर लेते हैं, मैं भी आपको कहने लगा था, और नमाज कर लेते हैं तो फिर बस जल्दी से नमाज पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज हमारी क्लास वैसे भी 2.5 घंटे की है। और यस FIA वेरी गुड पॉइंट, ये 1974 में एक एक्ट के जरिए वाइट कॉलर क्राइम्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक हो गया। नमाज पढ़ के बेटे फिर आ के फिर बाकी बातें, जो आपके कुछ सवाल होंगे मैं जवाब दूंगा, ठीक हो गया। इजाजत है नमाज पढ़ लें, ठीक हो गया। शुक्रिया। सारा छाप रहे हैं और कहते हैं कि हमने ड्राइंग बनाई, शक्ल है। अच्छा जी, हम भुट्टो साहब को डिस्कस कर रहे थे, और आखिरी बात जो हमने डिस्कस की दैट वाज अबाउट इज लाइक पॉलिसी अबाउट लेबर्स, के उनकी लिबरल पॉलिसीज थी, और लेबर को जुबान दी, उनको राइट्स दिए, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि पाकिस्तान में मुझे 25 साल हो गए सिविल सर्विस में, और मैं ये नोट करता हूँ कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग जो है वो काम नहीं करना चाहते, और अपना जो एक मुआवजा है वो वसूल करना चाहते हैं, और अभी तो ये दूसरा साल होने को है कि ये कोविड वगैरह जो आया है, तो पाकिस्तान में
शायद ही किसी दफ्तर में जो है कोई एक माइनॉरिटी सी जो है वो काम करती हो, मेजोरिटी आर जो है वो दे आर हैप्पी विद द ऑनगोइंग क्राइसिस। जो अल्लाह की तरफ से एक आफत आई हुई है, हम उस पर भी जो है वो अपने आप को तब्दील करने को तैयार नहीं है, और हम इसको भी एक अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं कि चले हमें तनख्वाह तो मिल रही है ना, तो घर बैठे रहे, और जो है वी आर मतलब नॉट। तो भुट्टो साहब ने जो एक गलत आदत इसमें डाली ना वो यूनियनिज्म की, और पीआईए मुकम्मल तबाह हो गई, रेलवे मुकम्मल तबाह हो गई, स्टील मिल मुकम्मल, स्टील मिल को कोई लेने को तैयार नहीं है, प्राइवेटाइजेशन के लिए कोई तैयार नहीं है उसके, क्योंकि आपने एक जो है ना एक ऐसे लोगों का जो है ना वो एक अपना एक एजेंडा जो है वो उसके मुताबिक चलना हर एक चाहते हैं, चीज तो में मुल्क उनकी ऐसे थ्योरी नहीं है। चलते। तो मैं इसको क्रिटिसाइज करता हूँ, इसको कि ये मुनासिब नहीं है नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, कि आप जस्ट पॉपुलैरिटी के लिए जो है, ठीक है ना, कि पॉपुलैरिटी के लिए जो है आप लोगों को जुबान दे दें, और यहाँ जुबानें लोगों की बहुत लंबी लंबी हैं और काम नहीं करते, और दैट्स एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। आई डोंट नो कि हाउ दैट एटीट्यूड विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। ये भुट्टो साहब को मैं एडमायर बहुत करता हूँ, उनको हाथ में नहीं। नेशनलाइजेशन भुट्टो साहब ने की, अगेन भुट्टो साहब वाज अपेरेंटली अ डेमोक्रेट, एक डेमोक्रेट थे भुट्टो साहब, लेकिन इससे अमेरिका के भी कान खड़े हो गए कि भुट्टो साहब अपने आप को डेमोक्रेट कहते थे बट ही वाज इंस्पायर्ड ऑफ सोशलिस्ट, एंड सोशलिस्ट जो थॉट्स थे इश्तराकियत के, उनके अगेंस्ट गई, बैंक्स को नेशनलाइज किया, इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया, और अगले दिन जो है वो सरकार कब्जा कर लेगी आपके बैंक को। तो हु विल इन्वेस्ट, खास तौर पे ना सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स डिस्करेज हुए, लोग फिर इन्वेस्ट क्या करते, लोगों के तो मिलें और कारखाने वो नेशनलाइज्ड हो गए, और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे वो भी जो है दे ऑल्सो लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान इकोनॉमी, और बांग्लादेश जो है उसको रिकग्नाइज किया गया पहली अमेंडमेंट के जरिए, और क्योंकि उन्होंने आना था यहाँ पे, बांग्लादेश वाज टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेड इन लाहौर इन 1974, एंड द सेकेंड अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अहमदी ग्रुप वाज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लाम, बिकॉज उसमें जो फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड है, यानी मुस्लिम को जब डिफाइन किया गया वहां पे, तो उसमें बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड पे बिलीफ नहीं है जिनका, तो वो इस्लाम के दायरा कार के अंदर नहीं है। तो ये सेकेंड अमेंडमेंट हो गई, और इनके वक्त में फॉरेन पॉलिसी इनकी बहुत अच्छी थी, वेरी एंथुजियास्टिक, और इन्होंने एक तो पॉलिसी अच्छी थी, और इनकी जो अच्छी पॉलिसी थी उसमें जो आपका है बांग्लादेश को, सॉरी इनके जो ताल्लुकात थे मिडिल ईस्ट और चाइना के साथ बहुत अच्छे थे, और मुस्लिम कंट्रीज के साथ एज ए होल। इनसे एक पॉलिटिकल मिस्टेक हुई, एंड दैट वाज अर्ली इलेक्शंस इन 1977, अर्ली इलेक्शंस इन्होंने करवाए 77 में, और उसमें जो है पीपल्स पार्टी को जो है, पीपल्स पार्टी ने इसमें विक्ट्री जो है वो क्लेम की, ठीक हो गया, और जो पीएनए थी पाकिस्तान नेशनल अलायंस, जो 9 पार्टियों का अलायंस था, उन्होंने जो है उनको उसमें उन्होंने बायकॉट कर दिया, क्योंकि एक दिन कौमी असेंबली का इलेक्शन था और फिर प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन एक दिन वक्फे के साथ था, तो उन्होंने बायकॉट कर दिया प्रोविंशियल इलेक्शन जो था, और हंगामे शुरू हो गए भुट्टो साहब के रेजीम के खिलाफ, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीवन वाज अगेंस्ट भुट्टो साहब एक्सेप्ट पीपल्स पार्टी के लोग,
तो उन्होंने नंबर वाइज सबके साथ ताल्लुकात खराब कर लिए। तो मार्शल लॉ लगा कराची, लाहौर और हैदराबाद में, पीपीपी और पीएनए की टॉक्स जो है, पीपीपी और पीएनए उनकी टॉक्स तो हुई, लेकिन वन फाइन मॉर्निंग व्हेन पीपल वोक अप सो वी विटनेस्ड एंड एक्सपीरियंस द थर्ड लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ इन द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ जनरल मोहम्मद जिया उल हक साहब। फजल इलाही चौधरी साहब जो थे वो, ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान और ही वॉज द फिफ्थ प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बांग्लादेश का ये कि उनको, यानी पाकिस्तान की टेरिटरी को रीडिफाइन किया गया ना, यानी बांग्लादेश को एक्सक्लूड कर दिया, यानी ईस्ट पाकिस्तान को। पहले तो हमारी टेरिटरी का हिस्सा था, तो जब हमने उनको रिकग्नाइज कर लिया फिर तो हम अपनी टेरिटरी नहीं क्लेम कर सकते थे। तो वो फर्स्ट अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में। फजल इलाही चौधरी साहब जो हैं वो फिफ्थ प्रेजिडेंट थे, वाइडली रिस्पेक्टेड आदमी थे, गुजरात से उनका ताल्लुक था, लॉयर थे बाय प्रोफेशन, और इनका जो था ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहे, मिनिस्टर भी रहे और स्पीकर भी रहे असेंबली के, ठीक हो गया। और ये जिया के वक्त में इनका टेन्योर पूरा हुआ, और भुट्टो साहब के वक्त में ये जो है वो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, इन्हें हेड ऑफ स्टेट थे। हालांकि बस बाद में ये करना है ये क्लास पूरी लड़के मुझे मेरा भी दिमाग सबसे करना है। अब मैं कुछ बातें आपसे करूंगा, फ्यू वर्ड्स अबाउट द पॉलिटिकल अलायंसेस इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में जो सियासी इत्तेहाद हैं उनका क्या रोल रहा है पाकिस्तान की सियासी, जिस तरह आजकल पीडीएम है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, ठीक हो गया। और आपने उसके कुछ जलसे और कुछ मूव्स और कुछ पॉलिटिक्स जो है वो आपने देखी। अभी जो है मैं आपको कुछ माजी के कुछ अलाइंसेस की बात करूंगा कि उनका मोटिव क्या था और मुख्तसरन उनके लाइन ऑफ एक्शन क्या थी। फाड़ के फन देखेंगे भी पाकिस्तान तो नेशनल सोचने अलायंस, देखेंगे नाइन नहीं पार्टीज अलायंस टू डिसलॉज भुट्टो फ्रॉम पावर, जब कह रहा हूँ नहीं देखता नौ पार्टियों का अलायंस था, और बुनियादी मकसद जो था वो भुट्टो साहब को जो है वो इकतदार से फारिग करना। इनका जो एपेरेंट नारा था वो निजामे मुस्तफा था, इन दे वांटेड टू ब्रिंग इस्लामिक ऑर्डर, वो इस्लामिक ऑर्डर जो है वो लाना चाहते थे, इस्लामिक ऑर्डर लाना चाहते थे, यानी पता दे है किसका वांटेड करते टू हैं ब्रिंग इस्लामिक निजाम इन दी कंट्री, और ये चाहते थे कि निजामे मुस्तफा लेकर आए। लेकिन जो असल मोटिव था, इस्लाम वॉज यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज अ कार्ड, और असल जो था वो टू डिसलॉज द भुट्टो, बिकॉज ये सब भुट्टो के खिलाफ थे, भुट्टो इनको पसंद नहीं करते थे और वो उनको नहीं पसंद करते थे। अब पीएनए का जो वो था सिंबल, वो एक था, नौ पार्टियां थी, लेकिन बक्से में जो वोट था वो नौ पार्टियों को नहीं पड़ा, एक पार्टी को, इन्हें पीएनए को, यानी हल उसका निशान था, हल जो बैल के पीछे बांधते हैं ना, प्लो जिसको कहते हैं, हल खेती बाड़ी के लिए जो इस्तेमाल होता है, दैट वाज देयर सिंबल। और इन्होंने फिर वो, मैंने आपको बताया कि जब वो इलेक्शन वक्त से पहले हुआ तो इन्होंने इसको ये एट्रीब्यूट किया कि ये रिगिंग हुई है इलेक्शंस में, रिगिंग हुई है, ठीक हो गया, अलेज्ड रिगिंग इन द पोल्स, के रिगिंग हुई है पोल्स में, दैट वाज देयर एलिगेशन कि ये इन्होंने रिक्ट किए। तो पीएनए, और तो पीएनए में पता लगी कि ये एंटी जुल्फिकार अली भुट्टो अलायंस थे। ये तुमने मुझसे सीखा और ये तुमने मुझसे सीखा। एक्टिंग मीन जस्ट फॉर अ वाइल, वो इलेक्ट नहीं हुए थे, वो जस्ट एक फॉर अ वाइल थे, फॉर थोड़े वक्त के लिए, कुछ मुख्तसर वक्त के लिए, ठीक हो गया।
जी बिल्कुल, जो whosoever loses elections तो वो यही कहते हैं कि रिगिंग हुई है। तो इनकी ये पार्टीबाजी और रस्साकशी के नतीजे में आपने देखा कि पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लॉ लग गया, एमआरडी। एमआरडी 1981 में बनी। एमआरडी वाज एन अलायंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेटिक पार्टीज, नेशनलिस्ट पार्टीज, लेफ्ट की पार्टियां इसमें शामिल थी ज्यादा, और उन्होंने चैलेंज किया जनरल जियाउल हक के मार्शल लॉ को, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस की, प्रोटेस्ट किए तमाम प्रोविंसेस में। बट इसका जो मेन हब था, हाँ सर, मेन मेरा जो बीच में आपको कॉन्सेंट्रेशन थी, कंटिन्यू नहीं करो। दैट वाज इन क्या कहते हैं, दैट वाज इन जो है इन सिंध, बिकॉज भुट्टो साहब को फांसी लग चुकी थी और सिंधीज उस पर आज भी बहुत खफा हैं हसनैन और नाराज हैं, और इसीलिए वो पीपीपी को वोट देते हैं। इनका जो मुतालबा था वो ये था, व्हाट दे वांटेड, इनके नाम से जाहिर है, मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत की बहाली। अब जमहूरियत की बहाली तो तब हो सकती थी कि मार्शल लॉ को खत्म किया जाए, जियाउल हक को घर भेजा जाए, इलेक्शन करवाए जाए और पार्लियामेंट्री जमहूरियत की बहाली की जाए, ये उनके मुतालबे थे। अब ये उन्होंने एक प्रेशर माउंट किया जनरल जियाउल हक के ऊपर, इसमें तो कामयाब हो गए और जनरल जियाउल हक से मुतालबा किया कि इलेक्शंस करवाए। इलेक्शंस भी करवाए उसने, बट ही प्लेड वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर मूव उसने की। और उसने क्या किया कि इलेक्शन तो करवा दिए, लेकिन वो करवाए उन्होंने नॉन पार्टी बेसिस पे, यानी आप इलेक्शन तो लड़ सकते हैं, मैं इलेक्शन लड़ूंगा लेकिन किसी पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ूंगा, मोहम्मद अली बाबा खेल के तौर पे लड़ूंगा, तो मैं पार्टी सिंबल नहीं यूज कर सकता, ठीक हो, पीटीआई का, एन का, पीपीपी का, वो नहीं, अपना एक मुझे लैपटॉप मेरा निशान होगा, इस तरह होगा एक इंडिविजुअल। तो इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कि आप पार्टियों को बैन कर दें कि पार्टी नहीं लड़ सकती इलेक्शन। अब इसका रिएक्शन क्या हुआ, व्हाट वाज द रिएक्शन, बेनजीर भुट्टो वाज वेरी यंग, उन्होंने, मेरे पास यहाँ लाइब्रेरी में मेरी किताब पढ़ी हुई है रिकंसिलिएशन, तो उसमें मैंने पढ़ा बेनजीर भुट्टो ने खुद इसका जो है वो लिखा है कि ये उनकी संगीन सियासी गलती थी कि उन्होंने बायकॉट किया इलेक्शन का, क्योंकि स्पेस जो है वो स्पेस जो है वो स्पेस एक जो है वो उनको मिल गई उन गैर जमहूरी कुवतों को, के जो पीपल्स पार्टी की स्पेस जो थी वो उन्होंने हासिल करने की कोशिश की। और अब इलेक्शन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया वो ज्यादातर लोग थे जमात इस्लामी के और मुस्लिम लीग के, जो एस्टेब्लिशमेंट की मुस्लिम लीग थी, उन्होंने सपोर्ट किया जनरल मोहम्मद जियाउल हक को। पीपीपी मुकम्मल बाहर हो गई और आज तक पंजाब से बाहर है। तो उन्होंने, बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब में लिखा है कि ये उनकी बड़ी संगीन सियासी गलती थी कि उन्होंने इलेक्शंस का बायकॉट किया, और यही वजह है ये जो पीडीएम में भी पीपीपी और एन के इख्तलाफात हैं उनके, यही है कि भाई मैदान नहीं छोड़ता। आई डोंट नो कि उनके बिहाइंड क्या है, लेकिन मैं तो आपको बेनजीर भुट्टो की डॉक्यूमेंटेड बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए, स्पेस आप छोड़ेंगे तो कोई और ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक हो गया। तो उन्होंने बायकॉट किए और जमात इस्लामी और पीएमएल जो थी मुस्लिम लीग, उन्होंने जो है वो उनको सपोर्ट किया एस्टेब्लिशमेंट को। रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन नहीं, उन्होंने पार्टी के तौर पे नहीं कंटेस्ट किया था हाशिम, उन्होंने कंटेस्ट किया था ये इलेक्शन इंडिविजुअली कंटेस्ट किया था, बंदे वो इन दो पार्टियों के थे, ठीक हो गया। लेफ्ट की पार्टियां वो हैं जो स्टेटस को चैलेंज करती हैं, ठीक हो गया, और राइट की पार्टियां वो होती हैं जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट होती हैं, जो स्टेटस को मेंटेन करती हैं अपेरेंटली। लेफ्ट की पार्टियां चेंज को, जो सिस्टम को चैलेंज करना चाहती हैं, जो सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। हाँ जी, उन्होंने बायकॉट कर दिया था इलेक्शंस का,
क्योंकि वो तो पार्टी बेस्ड इलेक्शन चाहते थे ना। अगला अलायंस है आईजीआई, इस्लामी जमहूरी इतिहाद। ये भी अगेन 9 पार्टीज अलायंस था, 1988 में बना। और पीडीएम का क्या एग्जांपल, पीडीएम की आप कह रहे हैं कि एट द मोमेंट पीडीएम इज यू नो इट्स पहले 11 पार्टियां थी, फिर 10 हो गई, अभी 9 हो गई, अभी 8 हो गई। तो आई डोंट नो के इनका क्या फेट होगा, लेकिन राइट नाउ इट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल अलायंस बिकॉज स्टिल देयर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट पार्टीज ओवर देयर, एंड उनका अभी फेट क्लियर नहीं है कि आइंदा क्या पसे पर्दा। असल में हमें ये पता नहीं होता कि पसे पर्दा क्या हो रहा होता है, वो हमें चंद साल बाद पता लगता है। जो आपको टीवी पे नजर आ रहा है वो नहीं है, वो सच नहीं है, इसके पीछे भी कुछ हो रहा है। आईजीआई 8 पार्टीज का अलायंस और 9 पार्टीज का अलायंस, और 88 में ये बना अगेंस्ट पीपीपी था ये, और आईजीआई ने यहाँ से जो है वो सीट्स विन की पंजाब में, और नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली जो है वो इमर्ज एज अ पावरफुल जो है पावरफुल जो है पावरफुल फिगर पार ब्रोकर्स जो है आज तक वो जो है वो इम्पोर्टेंट पावर ब्रोकर्स हैं ये फैमिली। तो ये यहाँ से इनका अरूज जो है वो शुरू हुआ नेशनल लेवल पे। इससे पहले पंजाब में तो ये आ चुके थे, पंजाब में दे हैड इनफ स्पेस दे मैनिपुलेटेड। फिर अगला है अलायंस फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एआरडी, बहाली जमहूरियत के लिए इत्तेहाद। तो ये पीपीपी और पीएमएलएम का अलायंस, और रिटर्न ऑफ द सिविलियन रूल, ठीक हो गया, रिटर्न ऑफ द सिविलियन रूल जो है ये इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा था, और दिस वाज अगेंस्ट मिस्टर मुशर्रफ। और ये यूनिक अलायंस ऑफ आर हिस्ट्री के जिसमें दो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ हुई जो कभी भी जो है वो एक दूसरे का साथ नहीं देती थी, बल्कि दो दो मरतबा उन्होंने हुकूमतें जो है वो गिराई एक दूसरे की, ठीक हो गया। सो दो दो मरतबा इन्होंने हुकूमतें गिराई, लेकिन उसकी बुनियादी वजह जनरल मुशर्रफ की स्ट्रांग पोजिशन थी। दैट्स वाई उस उन्हें यह एहसास हो गया था कि वो बहुत कमजोर हो चुके हैं इंडिविजुअली। तो जी बिल्कुल, एआरडी जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन थी। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बातें करते जाएं कि 56 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंट इसके, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म मींस के आपके वजीर आजम जो है वो हेड ऑफ दी टीम होंगे, और प्रेसिडेंट जो है वो एक सिंबॉलिक हेड होंगे, सेरेमोनियल हेड होंगे। यूनिकैमरल पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एक ही जो है ना, ओनली वन, उसके ऊपर मुश्तमिल होगा कि ओनली वन हाउस, यानी आबादी जिसकी ज्यादा होगी उसकी सीटें ज्यादा होगी। और यहाँ पर उसको हल करने के लिए, क्योंकि वैसे तो ईस्ट पाकिस्तान की 54% आबादी थी, यहाँ भी हमने एक ट्रिक किया, और वो ट्रिक ये किया, वी इंट्रोड्यूस्ड फार्मूला ऑफ पैरिटी, जिसमें 150 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान की, 150 सीट्स वेस्ट पाकिस्तान की, और 10 सीटें जो हैं वो स्पेशल सीट्स हो गई। तो ये एक पैरिटी का फार्मूला, लेकिन पैरिटी थी नहीं, तो इस पे जो है वो बंगाली यहाँ से नाराज हो गए कि भाई हमारी तो सीटें ज्यादा बनती हैं, हमने यहाँ भी इंसाफ पसंदी से काम लिया उनको धोखा देने में कि भाई ये तो हमने देखो बराबरी का काम किया। मैं आपकी बात नहीं समझा कि एलएफओ दोबारा इस रिजीम में बनाया गया था,
एलएफओ इज अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? मुझे समझ नहीं आई, अगर आप इफ यू कैन क्लियरली स्टेट योर स्टेटमेंट सो आई मे अंडरस्टैंड। कॉन्स्टिट्यूशन 1962 का, कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन 1960 में बनाया गया एंड इट वाज हेडेड बाय जस्टिस शाहबुद्दीन, और इसने ये यूब खान ने इनको जिम्मे लगाया और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की 61 में और फिर इसको मार्च 62 में अडॉप्ट किया गया। तो इनका जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी व्हाइल एक्सप्लेनिंग अयूब खान साहब आई टोल्ड यू कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम उन्होंने सजेस्ट किया वन मैन शो। पहले चलो वजीर आजम कमजोर था लेकिन था तो सही ना, 1947 से 58 तक। अब तो 58 के बाद जब ये 62 का आइन बना, और जब ये आइन बना तो फिर तो वजीर आजम का ऑफिस ही खत्म कर दिया गया। तो ऑल एग्जेक्टिव अथॉरिटी विद द प्रेसिडेंट, तो जो जितनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी थी वो एक शख्स में कॉन्सेंट्रेट कर दी गई, ठीक हो गया, वो एक शख्स में कॉन्सेंट्रेट, और वो प्रेसिडेंट था। तो पाकिस्तान में अगर आप एक शख्स को सारे इख्तियारात दे देंगे, ये पाकिस्तान में कभी भी सूट नहीं करता। ये अमेरिका नहीं है कि जहाँ इंसाफ पसंद लोग हो, यहाँ जिस कौम कबीले का आदमी होगा, जिस जिले का होगा, जिस सूबे का होगा, जिस जगह का होगा, जिस इदारे का होगा, वो बेनिफिट करेगा, बाकी लोग नहीं बेनिफिट करेंगे। तो पाकिस्तान को सूट नहीं करता, पाकिस्तान को सूट करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के एक हाउस के कौमी असेंबली, जो जितनी आबादी जिसकी होगी उतनी उसकी सीटें होंगी, फेडरल सिस्टम के एक वफाकी तर्ज हुकूमत होगा जिसमें एक सेंटर होगा और फेडरेटिंग यूनिट्स होंगे। अच्छा जी, फिर आपका फेडरल सिस्टम के बाद मैंने कहा कि पहले ही ऑलरेडी आई टोल्ड यू इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम जिसमें 80,000 जो है वो बेसिक डेमोक्रेट्स, ठीक हो गया, बेसिक डेमोक्रेट्स 80,000 उसमें, और ये एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है उनके तौर पे जो है वो काम करता था, और बीडी जो है यानी बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो अयूब खान का सिस्टम का कॉन्सेप्ट अच्छा था लेकिन वो तो उसे अपना एक एडवांटेज जो है वो उठाना चाहते थे। टर्म असेंबली की 62 के आईन में वो 3 साल के लिए, और नॉर्म इन्होंने कहा ये होगा कि अगर प्रेसिडेंट वेस्ट पाकिस्तान से होता तो स्पीकर जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से होता। इनके वक्त में एक और डेवलपमेंट हुई अयूब खान साहब के वक्त में 60s में, और वो दैट वाज द पैसेज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 1962। वो ये हुआ कि जो सियासी पार्टियों का जाब्ता अखलाक है उसके लिए एक कानून लाया गया, और वो कानून जो है वो आज भी आप देख लें तो पाकिस्तान में एक मेजर इशू है एंड दैट इज द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। क्या आप देखेंगे कि इनकी यानी कोड ऑफ कंडक्ट मीन जाब्ता अखलाक, कि उनका जाब्ता अखलाक क्या होगा, उनका तरीकेकार क्या होगा इस मामलात को चलाने में। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म, जिस तरह आप प्रेजेंटली देख रहे हैं कि टीम का कैप्टन जो है वो वजीर आजम और उसकी कैबिनेट होती है, और फिर फेडरल है नेचर, और एक सेंटर और फिर फेडरेटिंग यूनिट्स, और उनके दरमियान में एक रिलेशन को रीडिफाइन किया गया, एक रिलेशंस को रीडिफाइन किया गया, और एक रिलेशंस को रीडिफाइन किया गया, और एक रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक हो गया, और ताल्लुक क्या होगा सूबों का और मरकज का। बाइकैमरल लेजिस्लेचर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन 1973's कॉन्स्टिट्यूशन, और एक तो पहले तो यूनिकैमरल चल रही थी, और अब ऐवाने ज़ेरी है, ऐवाने बाला है यानी कौमी असेंबली है, और फिर सेनेट है। तो ये है आपका यानी हमारा के पार्लियामेंट का क्या होगा कि जो ऐवाने बाला है, ऐवाने ज़ेरी में कौमी असेंबली में एज पर डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ पंजाब की आबादी ज्यादा है, पंजाब की सीटें ज्यादा हैं। अपर हाउस में जो है वो जो सीटें हैं वो हैं जनाब आपकी सीटें जो हैं वो आपकी वो होंगी
उसके ऊपर वो होंगी आपके, इसके ऊपर वो आपके हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जो आप कह लें कि पैरिटी, के चाहे किसी की आबादी कम है या किसी की ज्यादा है, वो जो है वो आबादी के जो सीटें हैं वो आपको उसके मुताबिक होंगी, बराबरी की बुनियाद पे होंगी, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ताकि एक फेडरेशन अच्छे तरीके से काम करे। और रिजर्व सीट्स ओरिजिनल में 10 और सेपरेट इलेक्टोरेट्स माइनॉरिटीज के लिए, कि माइनॉरिटीज अगर मैं ईसाई हूं तो ईसाई को ही वोट दूंगा, अगर मैं हिंदू तो हिंदू को वोट दूंगा, वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। और असेंबली की टर्म जो है वो 5 साल होगी, लेकिन अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर 5 साल मुकम्मल नहीं कर सके। आखिर में जो है वो हमारा पॉइंट है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इज, एज माय फ्रेंड टोल्ड यू, इट्स एन आउटकम ऑफ दी एफर्ट्स मेड एज एआरडी, अलायंस फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और इसमें एआरडी जो है वो बुनियादी तौर पे 36 पॉइंट्स है, और ये 2006 में लंदन में हुआ बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड, इट वाज साइंड बाय नवाज शरीफ एंड बेनजीर भुट्टो साहिबा। और इसके चार कंपोनेंट थे, चार मेन पार्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, पाकिस्तान के आईनी मसाइल क्या हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, जाब्ता अखलाक क्या होना चाहिए सियासत में, यानी एक दूसरे को कैसे ट्रीट करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मुनसिफाना इंतखाबात, या आपका जो है, या आपका इंतखाबी इस्लाहात कैसी होनी चाहिए, और सिविल मिलिट्री ताल्लुक कैसे होना चाहिए। ये टोटल 36 पॉइंट्स थे और चार कंपोनेंट्स थे मेन, ये इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि पाकिस्तान के ये मेजर सियासी मसाइल हैं, जिसको हमने, इस एक रोड मैप था, इट वॉज अ यूनिक डॉक्यूमेंट ऑफ आर हिस्ट्री, के जिसमें दो पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ थी, दो दो मरतबा हुकूमतें खत्म की, और यहाँ पे जो है वो इकट्ठे हो गए। सीओडी क्या थी? इट वॉज एन अटेम्प्ट टू अचीव द आइडियल्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक हो गया। सीओडी एक अटेम्प्ट था कि पार्लियामेंट्री जो आइडियल्स है, कि एक वजीर आजम के पास इख्तियार होना चाहिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो उनके पास ये अख्तियार है कि वो आपका, उनके पास ये अख्तियार है कि वो लीड करें, फैसले करें, तो उनके आइडियल्स को अचीव करें, ना कि मुशर्रफ की तरह एक प्रेसिडेंट बैठा हुआ है और वो सारे फैसले करें। नहीं, उनका ये था कि एक वजीर आजम लेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। एसेंशियल्स फॉर डेमोक्रेसी वर आइडेंटिफाइड। एसेंशियल्स क्या हैं डेमोक्रेसी के? कि एसेंशियल्स फॉर इंस्टेंस टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी एसेंशियल्स हैं डेमोक्रेसी की, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। कि इनकी रिस्पेक्ट नहीं होगी तो आप जितनी मर्जी जमहूरियत कह लें, तो जमहूरियत जो है वो नहीं आ सकती आपकी सोसाइटी में। फिर क्या ये एक एजेंडा था, मैनिफेस्टो था, या आइडियल था, या पॉलिटिकल स्लोगन था? ये सब कुछ था, नारा भी था और आइडियल भी था। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू रीडिफाइन रिलेशंस ऑफ डिफरेंट एक्टर्स। ये कोशिश थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सूरत में, कि जो एक डेमोक्रेसी में मुख्तलिफ एक्टर्स होते हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स होते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होते हैं, सेनेट का चेयरमैन होता है, स्पीकर होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होता है, इनके क्या रीडिफाइंड रोल्स होंगे कि डेमोक्रेसी इफेक्टिवली काम करें?
इंडिविजुअली इट वॉज नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग चेंज. इंडिविजुअली इन्हें इनफिरादी तौर पे ये मुमकिन नहीं था कि वो के बेनजीर भुट्टो के लिए या नवाज शरीफ के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो मुशर्रफ जैसे पहलवान से मुकाबला करते इनफिरादी तौर पे. इसलिए इकट्ठे हो गए. बोथ वर इन एग्जाइल. दोनों जिलावतन थे. दोनों की उम्रें तेजी से गुजर रही थी. बोथ डिड नॉट कंप्लीट टेन्योर इन ऑफिस. कन्फ्रंटेशन वाज नॉट द सॉल्यूशन. दोनों ने इससे पहले दो दो मर्तबा दे रूल्ड दिस कंट्री बट देवर आउस्टेड बिफोर द टाइम. दो दो मर्तबा उनको निकाल दिया गया. बार ऑन थर्ड टाइम प्रीमियरशिप. तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनने पर पाबंदी थी. लेकिन इस वो दोनों वजीर आजम नहीं बन सकते. असल फायदा शरीफ फैमिली ने उठाया क्योंकि सत्री तरमीम में तीसरी मरतबा आप चीफ मिनिस्टर या वजीर आजम नहीं बन सकते. इस पे उन्होंने फायदा उठाया शरीफ फैमिली ने. बेनजीर भुट्टो तो फौत हो गई. सीओडी अप्रूव दैट पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज. पाकिस्तान में आइडियोलॉजी के लिए शायद हम जब बच्चे थे तो नजरियाती सियासत का सुनते थे और देखते थे. लेकिन अब पाकिस्तान में इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है जहां नजरिए के लिए शायद कोई जगह नहीं है. तो ये एक साबित ये कर रहा था कि दोनों एक दूसरे के सख्त खिलाफ थे लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपना एक एजेंडा परसू करने के लिए दोनों जो है वो इकट्ठे हो गए. तो इन्होंने ये एक साबित कर दिया कि पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान में इम्पॉसिबिलिटी नहीं है बल्कि पॉसिबिलिटीज का एक नॉमेनक्लेचर है. टू ब्लॉक द मिलिट्री टेक ओवर्स. वो ये चाहते थे कि फ्यूचर में, और इसमें ये कामयाब भी रहे अभी तक, फिर उसके बाद फिर नहीं हो सका कोई, ये मिलिट्री का रास्ता बन के रहे. सीओडी इज एक्चुअली रियलाइजेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ अपोजिशन. चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इस चीज का आकाश है कि दोनों ने ये रियलाइज किया. दोनों दो दो मरतबा अपोजिशन में भी रहे एक दूसरे की जब हुकूमत थी, तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि इज्जत दिए बगैर जो है दूसरे को आप हुकूमत नहीं चला सकते. और गालिबन ये आप देख रहे हैं कि अभी भी ये मामला जो है ये पाकिस्तान का एक एक्यूट इशू है पाकिस्तान में कि हाउ टू डील अपोजिशन विद रिस्पेक्ट. तो इन्होंने थोड़ा सा ये सबक सीखा जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में एक पॉजिटिव अमन है. टू मोबिलाईज द मासेस, लोगों में तहरुक पैदा करने के लिए. लोग सियासी तौर पर मुर्दा हो चुके थे. फिर टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट, एनहांस देयर बार्गेनिंग वैल्यू, इनकी जो है ना बार्गेनिंग वैल्यू बढ़ाने के लिए. ठीक हो गया. जी बिल्कुल. मार्शल लॉ के गुड और बैड जो है वो इम्पैक्ट बिल्कुल होता है. क्यों नहीं होते? बैड इम्पैक्ट ये कि आपकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट वो आपके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के हवाले से और इंटरनेशनल जो एक्टर्स हैं वो उसको अच्छा रेट नहीं करते और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी है वो वॉयलेट हो जाती है. इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. एक चीज है जो आपको नजर आएगी कि कॉन्टिन्यूटी होती है. ठीक हो गया ना. वो आपको नजर आती कि एक शख्स को एक तवील दौर मिल जाता है. अच्छा गुड. मैंने बता दिया आपको कि उसको एक कॉन्टिन्यूटी मिल जाती है अगर उसमें वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कर सके, कोई इंस्टीट्यूशन बना सके. अच्छा जी. फिर आ जाए को प्रेशराइज करें गवर्नमेंट को मुशर्रफ की और अपनी बार्गेनिंग वैल्यू बढ़ाएं. और इसी के बाद एनआरओ हुआ और इसी के बाद उनकी वापसी हुई. इन देयर एब्सेंस पार्टी बैडली सफर्ड. पार्टियां जो है वो इनके एब्सेंस में जो है वो बैडली जो है उन्होंने सफर किया इन दोनों की जो है एब्सेंस में, क्योंकि दोनों बाहर थे तवील अरसे के लिए. आज की बात यहाँ पे खत्म करेंगे कि
प्रेसिडेंट की, इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में यह था कि प्रेसिडेंट जो थे उनके पास ज्यादा पावर्स थी 70वीं तरमीम के बाद, तो देयर डिमांड वाज के वापस जो है, चूंकि अवाम का मुंतखब नुमाइंदा प्राइम मिनिस्टर होता है, हल्के से आता है, उनके लोगों के कंधे पे बैठ के आता है, तो आप जो है पावर्स प्राइम मिनिस्टर को वापस कर दें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंस के मुताबिक, और अपॉइंटमेंट जो है लाइक कलीदी अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर्स की और मिलिट्री के जर्नलों की, चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी की, ये वजीर आजम को दे दें बिकॉज वो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है। इससे पहले मुशर्रफ साहब करते थे, तो ये उन्होंने कहा कि ये वापस कर दें। फिर उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो 9/11 के बाद पाकिस्तान के सिक्योरिटी इश्यूज को डील करने के लिए बनाई गई थी कि ताकि जल्दी फैसले हो सके नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, ये अप्रैल 2004 में बनाई गई, ये 13 मेंबर्स बॉडी थी, इसको हेड करते थे प्रेसिडेंट, तो वो भी मिलिट्री के थे, पीएम उस वक्त शौकत अजीज साहब थे, वो भी उन्हीं के दस्ते रास्ते थे, स्पीकर चौधरी अमीर साहब थे सियालकोट से, वो भी काफ लीग के थे, लीडर ऑफ अपोजिशन फजल रहमान साहब थे, तो उनके बारे में भी बड़ी बातें होती हैं कि उनका भी जो है डाउटफुल था कि अंदर से मिले हुए थे इनके साथ, और इसीलिए एमएमए को मुल्ला मिलिट्री अलायंस कहा जाता है। तो चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियाँ सुमरो थे, वो भी गवर्नमेंट के आदमी थे, एस्टेब्लिशमेंट, चीफ मिनिस्टर सारे इनके थे, मुशरफ साहब के थे, एक सिर्फ अकरम दुरानी थे जो जेयूआई के थे, और ये बाकी चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवी, एयर के सारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। तो इन्होंने कहा कि अगर हम पावर में आ गए तो हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का खात्मा चाहेंगे और इसको रिप्लेस करना चाहेंगे डिफेंस की कैबिनेट कमेटी जो 1976 में जो है वो बनाई थी उन्होंने आपके भुट्टो साहब ने, और भुट्टो साहब वाली, क्योंकि इसलिए हम बनाना चाहेंगे कि आपका जो डेमोक्रेटिक फेस है उसको जो है वो करना चाहिए, फैसले करने चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, ना कि फैसले जो है वो फौजी स्टैब्लिशमेंट को करने चाहिए। उनसे मुआवनत जरूर लेंगे हम, लेकिन जो असल फैसले की कुव्वत है वो होनी चाहिए आपके, वो होनी चाहिए आपके मुंतखब लोगों के पास। ठीक हो गया जी। सो रिकंसिलिएशन और दिस इज ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, मुकम्मल थक गए हैं, ठीक हो गया, 2 क्लासें पढ़ाई हैं और LBW हो गए आपके हाथों, तो ठीक हो गया, और थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड हैप्पी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम जी।